गुड आफ्टरनून टू ऑल, वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, लेट मी सी वेदर इट इज गेटिंग लाइव और नॉट। ओके, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। Yes, it is live. So what is start? Let's start with a new topic, that is paintings. Today we'll cover till modern paintings and we'll have a little discussion on folk paintings. Okay, so good afternoon to all, welcome to India's largest learning platform An Academy. Let me give some introduction about myself, that I am Priyanka Yadav, and previously I was working with University of Petroleum and Energy Studies Dehradun, and there I was teaching art and culture for UPSC CSE examination, and I have expertise in teaching art and culture for UPSC and economics for UPSC examination, and I have cleared UPSC and state PCS prelims, even mains, and I have mentored lots of students for UPSC CSE examination. Okay, and if you want to follow me, you can follow me on Telegram and even on An Academy. So these are my invite links. You can follow me through these links. Okay, so let me discuss some of the benefits which you will get if you subscribe to An Academy platform. First of all, you are going to get daily live classes, and that you can ask your doubts regarding to the topic, regarding to the syllabus. आप कोई भी अपना doubt है जो teacher पढ़ा रहा है उसके बारे में, सारे doubts आप clear कर सकते हैं. ऐसा ही होता है जैसे एक offline classes में class में होता है, ठीक है, बस थोड़ा mentor और learners के बीच में distance ज़्यादा हो जाता है. Otherwise बिल्कुल सेम वैसे ही रिचुअल्स होते हैं जैसे कि एक ऑफलाइन क्लास में होते हैं, ठीक है. फिर आपको क्या मिलने वाला है, लाइव टेस्ट मिलेंगे, क्विज मिलेगा, ठीक है, जो कि आपको आपकी प्रिपरेशन को जज करने में हेल्पफुल होगा, सो दैट आप अपने वीक पॉइंट और स्ट्रेंथ्स जो भी हैं उनके बारे में अच्छे से जान पाए और उन पर काम कर सके. देन यू विल हैव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज. स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज कैसे बोलेंगे इसको, कि जो भी यूपीएससी का सिलेबस मेंशन किया गया है उसी की तरह सारे कोर्सेज को बनाया गया है. प्रॉपर एक स्ट्रक्चर पैटर्न, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉलो किया गया है. और फिर अगर आप अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करते हैं, वंस यू सब्सक्राइब टू अन अकेडमी प्लेटफॉर्म, सो आपको क्या है, चाहे आप प्लस सब्सक्रिप्शन, मतलब आपका एक टाइम पीरियड होता है ना कि कब तक आप उन चैनल्स पे या उन चैनल्स पे कोई भी सीरीज देख सकते हैं, तो वैसे ही ये अन अकेडमी का भी है कि आप एक बार सब्सक्रिप्शन लिए, आपको कोई भी कोई रिकॉर्डेड है, लाइव है, सब आपको देखने को मिलेगा, ठीक है. तो दीज आर आर बेनिफिट्स. तो आगे मूव करते हैं, ये हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं जो अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, ठीक. फिर अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं अन अकेडमी के किसी प्लेटफॉर्म को या शेड्यूल देखना चाहते हैं, कैसे कैसे टीचिंग, कौन सा शेड्यूल कब लगा हुआ है, ये सब आपको कैसे मिलेगा, जब आप अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे, ठीक है, और वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन प्लान लें और आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा हर चीज़ के लिए, ठीक है. अब कहते हैं कि हम अन अकेडमी पे बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी करा रहे हैं. कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स प्रीलिम्स एंड मेंस दोनों के लिए हम तैयारी करा रहे हैं, ठीक है. प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए कैसे, कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करेंगे मेंस के टॉपिक्स को, प्रीलिम्स के टॉपिक्स को, और इसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, आपको क्या फ्लेक्सिबिलिटी मिलने वाली है, कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसमें थोड़ा रिजिडिटी हो जाती है इन टीचर्स को
टीचर्स को चूज करने में। बट यहाँ पे क्या है, अगर आपको किसी टीचर की स्ट्रैटेजी पसंद नहीं आ रही तो आप दूसरे टीचर से हिस्ट्री को पढ़ लीजिए या ज्योग्राफी को पढ़ लीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, और सारे कोर्सेज को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कराया गया है, ठीक है। सो आगे मूव करते हैं। अगर हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन प्लान्स की, तो दो तरह के सब्सक्रिप्शन प्लान्स हैं। फर्स्ट वन इज आइकॉनिक एंड सेकेंड वन इज प्लस। प्लस में आपको क्या क्या मिल रहा है? प्लस में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिल रहा है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस है, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल है। ये चार चीजें आपको प्लस में मिलेंगी। बट इफ यू ऑप्ट फॉर आइकॉनिक प्लान, सो व्हाट एक्स्ट्रा थिंग यू आर गोइंग टू गेट लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, अनलिमिटेड प्रैक्टिस पेपर्स, पर्सनल कोच, डेली क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस फॉर मी, स्टडी प्लानर एंड पर्सनलाइज फीडबैक। सबसे अच्छा पॉइंट क्या है इसमें, आपको पर्सनल कोच मिलेगा हु विल गाइड यू थ्रू आउट योर जर्नी इन यूपीएससी प्रिपरेशन, ठीक है। वो आपके स्ट्रेंथ को बताएगा, वीकनेसेस को बताएगा, कैसे आपको पढ़ना है किसी चीज को, वो सब बताएगा। तो ये आइकॉनिक का सबसे एडवांटेजियस पॉइंट है, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप प्लस को लेना चाहते हैं, तो क्या करिए कि जब भी आप परचेज कर रहे हैं, जस्ट यूज माय प्रोमो कोड, दैट इज PYM। क्या है? PYM10। तो आपको क्या मिलने वाला है? 10% डिस्काउंट मिलेगा ऑन योर परचेज। ₹100 देना पड़ेगा, बट अगर आप इफ यू आर यूजिंग माय प्रोमो कोड, सो यू हैव टू पे 8100 ओनली। 3 months में भी ऐसा ही है। बट आई वुड सजेस्ट कि जो लोग बिगिनर्स हैं, दे शुड ऑप्ट फॉर 2 ईयर और 3 ईयर प्लान, सो दैट इस 2 या 3 साल में आपकी प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी हो जाए। और ये उनके लिए बेनिफिशियल है जो ग्रेजुएशन ईयर्स में हैं, और जो मतलब ग्रेजुएशन ईयर्स को जिन्होंने एंटर करा है, ठीक है। 2 या 3 साल का प्लान उनके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी कराई जाएगी अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। और जो लोगों को ये लगता है कि बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं फिर भी नहीं हो पा रहा, तो दे कैन गो फॉर 1 ईयर प्लान। तो उसमें क्या है कि सारे कॉन्सेप्ट को ब्रशअप कराया जाएगा कि प्रॉपर एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है। सो मेरे हिसाब से जो लोग ग्रेजुएशन ईयर में, दे कैन ऑप्ट फॉर 2 और 3 ईयर प्लान, और दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर मेनी ईयर्स, दे कैन ऑप्ट फॉर 1 ईयर प्लान, ठीक है। सो उसमें क्या है, सारे आपके डाउट्स जो भी हैं क्लियर हो जाएंगे, और अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे हो जाएगी। और प्लस प्लस से अगर ऊपर ले जाना है, अपनी तैयारी को एक और ऊपर लेवल पे लेके जाना है, जस्ट गो फॉर आइकॉनिक प्लान, ठीक है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान। बट जब कोई भी प्लान आप ले रहे हैं ना, जस्ट यूज माई प्रोमो कोड, तो आपको क्या है कि आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिलेगा? 10% डिस्काउंट। अगर आप 1 ईयर का ले रहे हैं तो आपको कितना मिलेगा? वो अगर बिना प्रोमो कोड अप्लाई करे लेंगे तो आपको 49,500 का पड़ेगा। अगर मेरा प्रोमो कोड यूज करेंगे तो 44,550 पड़ेगा। तो आप कोई भी प्लान लीजिए, बस दिमाग से काम करिए, ठीक है। कोचिंग इंस्टीट्यूट का क्या है कि आप इसी जीएस को करने के लिए 1,50,000 देंगे, और यहाँ पे देखिए कितना कॉस्ट, मतलब बहुत कम कॉस्ट हो जाती है, और आपकी प्रिपरेशन क्या है, घर बैठे हो रही है, कहीं जाना नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स नहीं है, ठीक। सो अपने दिमाग से काम लीजिए, प्रिपरेशन को एक अच्छे लेवल पे लेके जाइए। ऐसे ही आइकॉनिक का है, आइकॉनिक के बारे में भी मैंने बता दिया। उसमें बस ये है कि आपको 1 ईयर, 1 month, 2, 3 months, 6 months का नहीं एडवांटेज है, यहाँ पे आपको 1 ईयर के लिए लेना पड़ेगा, 2 ईयर और 3 ईयर के लिए। जस्ट गो फॉर आइकॉनिक प्लान, ईदर फॉर 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर, एंड यूज माई प्रोमो कोड, दैट इज PYM10। ओके, तो ऑप्शनल का भी सब्सक्रिप्शन, चूज योर ऑप्शनल एंड ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द प्लान, ठीक है। उसमें भी आप अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करेंगे, ठीक है, अप्लाई करिए वहां पे जाके, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। इस इन बैचेस के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने पेंटिंग्स लास्ट से लास्ट क्लास में हमने पेंटिंग्स स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। उसमें कल की पेंटिंग्स हमें सारी मुगल पेंटिंग्स तक कंप्लीट करना था, बट पावर इंटरप्शन हो गया था, इस वजह से हमारी क्लास बीच में रुक गई थी, ठीक है। सो आज हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? मुगल से अपनी पेंटिंग्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। एक सेकेंड, मुगल से अपनी पेंटिंग्स के बारे में स्टार्ट करेंगे। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। दिल्ली सल्तनत के बारे में भी हमने कल कर लिया था, अब हम करते हैं आज मुगल से अपनी पेंटिंग्स का स्टार्ट। पेंटिंग्स का हमने बता दिया था सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब चीजें हमने कल की क्लास में डिस्कस कर ली थी, ठीक है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मुगल पेंटिंग्स। मुगल पेंटिंग्स, मुगल रूल कब स्टैब्लिश हुआ? मुगल रूल, ठीक है, कहाँ से स्टैब्लिश हुआ? बैटल ऑफ पानीपत से,
ठीक है, मैं आपको हिस्ट्री के साथ ही आर्ट एंड कल्चर को इंटरकनेक्ट करके ही पढ़ाऊंगी, मेरी यही स्ट्रैटेजी है मेरा, और इसका पर्पस ये है कि एक प्रॉपर इंटरकनेक्शन हो पाएगा तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे, बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी, लॉन्ग टर्म लर्निंग हो पाएगी आपकी, ठीक है। सो मेरा मेरी स्ट्रैटेजी यही है, ठीक है। सो पहले हम थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, फिर देखेंगे क्योंकि कोई भी कल्चर है किसी भी सोसाइटी का, वो कैसे अफेक्ट होगा जब वहाँ पे पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक चेंजेस आते हैं, तभी तो अफेक्ट होता है। वो पॉलिटिकल चेंजेस कैसे आ रहे हैं ये हमें देखना है, फिर हम स्टडी करेंगे कि कल्चर में क्या चेंज हुआ। इसी तरह से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी हम जब पेंटिंग्स की बात करते हैं, तो पेंटिंग्स भी किसी ना किसी, जब पॉलिटिकल सोशल चेंजेस आए होंगे तो उनकी थीम्स में, उनके स्टाइल में कुछ ना कुछ चेंज तो आया होगा। तो जब मुगल रूल इस्टेब्लिश हुआ, मुगल रूल इस्टेब्लिश हुआ कब से, जब बाबर आए और बैटल ऑफ, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, ठीक है। कब हुआ, 1526 AD में, बिटवीन इब्राहिम प्लस इब्राहिम एंड बाबर, ठीक है, हु वॉन, बाबर वॉन, ठीक। तो उनके बाद क्या हुआ, जो हमारी पेंटिंग्स में, जो पेंटिंग्स पहले ही हमारे यहाँ 18th सेंचुरी अर्ली मिडिवल टाइम से हमारे यहाँ पालर डायनेस्टी ने विनेचर पेंटिंग का एक नया स्कूल डेवलप किया था, वहां से चलती आई, फिर दिल्ली सल्तनत आई, दिल्ली सल्तनत के आने से पर्शियन इन्फ्लुएंस आया हमारी पेंटिंग्स में, ठीक है। एक मिनट, दिल्ली सल्तनत एंड पर्शियन इन्फ्लुएंस, पर्शियन इन्फ्लुएंस आया, ठीक है। अब जब पर्शियन इन्फ्लुएंस आया उसके बाद क्या हुआ, लोडी डायनेस्टीज के बाद मुगल्स आए, मुगल्स आने से ये थोड़े थोड़े और चीज़ें लाए, क्या चेंजेस आए कि जो कलर अल्ट्रामाइन ब्लू कलर ये सब होने लगे, थीम्स में वेरिएशन आया, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं बाबर और अकबर, बाबर और हुमायूं की, तो बाद अकबर आए, क्रोनोलॉजी को समझ पाएंगे तो अच्छे से समझ जाएंगे, ठीक है। जहांगीर आए, देन कम्स शाहजहां। सबसे ज्यादा जो पेंटिंग्स का डेवलपमेंट हुआ ना, वो किसके टाइम पे हुआ, अकबर, जहांगीर एंड शाहजहां के टाइम पे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां एंड औरंगजेब, ठीक है, इन तीनों के टाइम पे सबसे ज्यादा पेंटिंग्स का डेवलपमेंट हुआ। और जब मुगल्स आए तो दे ब्रिंग न्यू स्टाइल, मुगल्स जब आए तो उन्होंने एक नया स्टाइल लाया, उसको बोलते थे हम इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट। तो सबसे पहले जो इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट लिखा गया था वो कब था, नीमतनामा। नीमतनामा क्या था, एक इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट था ऑन कुकरी, एंड एंड कुकरी पे था, एंड इन दिस गयासुद्दीन घिया, गयासुद्दीन तिगल खिलजी वॉज ऑब्जर्विंग कुक मेड बाय मेड्स, ठीक है। और इट वॉज रिटन ड्यूरिंग नासिर शाह रेन, ठीक है, कब लिखा गया, नासिर शाह रेन में लिखा गया। अब आगे मूव करते हैं, सो एज वी आर टॉकिंग अबाउट मुगल पेंटिंग्स एंड मुगल पीरियड पेंटिंग्स, सो मुगल एम्पायर इस्टेब्लिश इन इंडिया बाय बैटल ऑफ पानीपत, दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस, 1526 AD में इस्टेब्लिश हुआ। एंड मुगल पेंटिंग इगोज एन एलाइट मिक्सचर, जो मुगल पेंटिंग्स बनी वो मिक्सचर थी इंडियन, पर्शियन एंड इस्लामिक स्टाइल का, इस्लामिक स्टाइल जो कि दिल्ली सल्तनत ने इन्फ्लुएंस करा था। जैसे कि आपको पर्शियन इन्फ्लुएंस, साइड प्रोफाइल वाली चीजें मिल जाएंगी, पॉइंटेड नोज मिल जाएगी, वो सब चीजें आई, ठीक है। पर्शियन एंड इस्लामिक इन्फ्लुएंस वो दोनों उसी में आ जाएंगे, और इंडियन जो पाला डायनेस्टी के टाइम से फीचर्स चल रहे थे वो आ गए। एंड द थीम्स ऑफ मुगल ऑर्बिटेड अराउंड, मतलब रिवॉल्व अराउंड, ऑर्बिटेड अराउंड द बैटल्स, जो बैटल सीन्स होते थे उनको पिक्चर किया जाता, पेंट किया जाता था, कोर्ट सीन्स की, कोई राजा से कौन मिलने आ रहा है, कैसी कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो रही है, रिसेप्शन है, लेजेंडरी स्टोरीज हैं, हंटिंग सीन्स हैं, वाइल्ड लाइफ, पोर्ट्रेट, इन सब के ये जो थीम थी इन सब के आसपास ही घूमती थी, ऐसे सीन्स बनाए जाते थे पेंटिंग्स में, ये आपको समझ आ गया होगा। अब आगे मूव करते हैं मुगल पेंटिंग्स की अगर बात करते हैं, तो मुगल पेंटिंग्स इवॉल्व एज अ रिजल्ट ऑफ हैप्पी सिंथेसिस, रिजल्ट ऑफ हैप्पी सिंथेसिस ऑफ इंडिजीनियस इंडियन स्टाइल, दैट वाज पाला डायनेस्टी के टाइम पे जो हमारी मिनिएचर पेंटिंग चल रही थी उसका सिंथेसिस, प्लस सफाविद स्कूल ऑफ पर्शियन एंड ईरानियन पेंटिंग्स, जो कि हमारे टाइम पे कौन आए, इंडिया में कौन लाए थे, सल्तनत, दिल्ली सल्तनत के रूलर्स, ठीक
है। अब मुगल पेंटिंग्स वर मार्क बाय सिंपल नेचुरलिज्म। इसमें क्या है कि नेचुरल सीन्स को ज्यादा, इनके टाइम पे नेचुरल सीन्स को ज्यादा पिक्चर करा जाता था। एक तो ये वाला बात था कि उसमें ह्यूमन फिगर्स का यूज करना थोड़ा मना था, इस्लाम फॉरबिड्स अ यूज ऑफ ह्यूमन फिगर्स। बट हाँ, कुछ डेफिनेटली पेंटिंग्स बनी थी, क्योंकि पेंटिंग्स अगर आप आर्किटेक्चर में देखते हैं ना, मुगल्स के टाइम पे आर्किटेक्चर या दिल्ली सल्तनत के टाइम पे आर्किटेक्चर जो बना था उसमें ह्यूमन फिगर्स का यूज नहीं होता था, ठीक है। बट अगर आप पेंटिंग्स की बात करते हैं, क्योंकि पेंटिंग्स को क्या है, आप अंदर घर के अंदर लगा रहे हैं या अपने पैलेस के अंदर लगा रहे हैं, तो पब्लिकली ओपन नहीं होती थी वो, तो इसमें कहीं ना कहीं पेंटिंग्स में ह्यूमन फिगर्स बनाए गए हैं, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं क्या है, पेंटिंग वैसे तो इस्लाम मना करता है, बट कहीं ना कहीं इंडियन इन्फ्लुएंस भी आया, तो इंडियन इंडियन पेंटिंग्स में क्या है कि ह्यूमन फिगर्स बन रहे थे, तो कहीं ना कहीं इंडियन पेंटिंग्स ने मुगल पेंटिंग्स के स्टाइल को अफेक्ट करा और इन्फ्लुएंस करा, नॉट अफेक्ट, इन्फ्लुएंस करा, ठीक है। तो आगे मूव करते हैं, देवर मेनली एस्ट्रोक्रेटिक। क्या है एस्ट्रोक्रेटिक? एस्ट्रोक्रेटिक मतलब एक जो हायर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होता था वो बनवाते थे, और देवर सेक्युलर इन नेचर। क्या सेक्युलर का मतलब क्या, किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करते थे, किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रहे थे, बट सेक्युलर, देवर सेक्युलर इन नेचर, ठीक है। एस्ट्रोक्रेटिक हमने समझ लिया क्या मतलब है, नेचुरल सेक्युलर इन नेचर। जो पेंटिंग्स मुगल के टाइम पे बन रही थी वो एस्ट्रोक्रेटिक थी। एस्ट्रोक्रेटिक क्या कि जो अपर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होता था वो उनको बनवाता था, और अपने कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, कोर्ट में या अपने घर में उनको लगवाता था। सेक्युलर क्या कि किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रहे थे, कोर्ट सीन्स थे और रिसेप्शन सीन्स थे कि राजा से कोई मिलने आ रहा है, उसका उसको उसको पिक्चर कर दिया या पेंट कर दिया, तो वो सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब क्या है कि आप किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, या करेंगे तो सभी रिलीजन को इक्वली प्रमोट करेंगे, सेक्युलरिटी में ये आता है, ठीक है। एंड देयर वाज अ चेंज, जब मुगल्स आए देयर वाज अ चेंज इन कलर पैटर्न फॉर्म्स एंड थीम। कलर 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 पैलेट में भी चेंज आ गया, और फॉर्म्स में भी चेंज आया, किस तरह की पेंटिंग बनी, एंड थीम्स थीम्स में भी चेंज आया, ठीक है। एंड मोस्टली जो पेंटिंग्स थी वो मोस्टली क्या थी, नॉट ऑल ऑल, ये अगर स्टेटमेंट आ जाए, ऑल द मुगल पेंटिंग्स ड्यूरिंग मुगल टाइम्स वर ऑल सेक्युलर इन नेचर, सो दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग। दे आर मोस्टली, नॉट ऑल, ठीक है, ऑल नहीं है, मोस्टली है। मतलब अगर आप 100% पेंटिंग्स की बात करते हैं तो अराउंड 70% और 80% पेंटिंग्स वर सेक्युलर इन नेचर, तो यहाँ पे मोस्टली का मतलब ये हो गया। एंड देर वॉज लेस नंबर ऑफ रिलीजियस पेंटिंग्स, नॉट बिल्डिंग्स, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए आपको। आगे मूव करते हैं, अगर हम मुगल्स की बात करते हैं तो मुगल्स की क्रोनोलॉजी आपको पता है कि फर्स्ट रूलर कौन था, सेकंड कौन, बाबर और हुमायूं की अगर हम बात करते हैं, बाबर और हुमायूं के टाइम पे ज्यादा ये देवर बिजी इन कंसोलिडेटिंग देयर एम्पायर, एंड देवर फेसिंग मेनी वॉर्स, और छोटे छोटे बैटल्स हो रहे थे, छोटे छोटे वॉर्स हो रहे थे, नॉट वॉर्स और बैटल में भी डिफरेंस होता है, तो छोटे छोटे बैटल्स हो रहे थे, ये लोग यहाँ पे अपना स्टैब्लिश करने, रूल स्टैब्लिश करने में बिजी थे, ठीक है। सो दोनों ही ना पेंटिंग्स का या आर्किटेक्चर डेवलपमेंट इतने अच्छे नहीं करा है। हाँ, ऑल्दो सम आर्किटेक्चर डेवलपमेंट एंड आर्किटेक्चर डेवलपमेंट्स वर टेकन प्लेस, बट नॉट ऑन अ लार्ज स्केल। तो रीजन हमने पता कर लिया कि क्या था, ठीक है। आगे मूव करते हैं, अगर हम बाबर की बात करते हैं, एज सच बाबर ने इतना पेंटिंग्स को प्रमोट नहीं करा, मतलब पेंटिंग्स नहीं बन पाई उसके टाइम पे, बट उस जो बाबरनामा लिखा है, बाबर रोट अबाउट हिज लव, की उसने बाबरनामा में लिखा है कि हाँ उसे पेंटिंग अच्छी लगती थी, बट टाइम नहीं मिल पाया तो प्रमोट नहीं कर पाया, पेट्रोनाइज नहीं कर पाया, बट हाँ एक आपको पेंटर मिलेगा बेइज्जत करके, उन्होंने उसको पेट्रोनाइज करा, सपोर्ट करा, प्रमोट करा। हु मेड मिनिएचर पेंटिंग, क्या बनाया, मिनिएचर पेंटिंग इलस्ट्रेटिंग मुगल फैमिली ट्री। उसने एक मुगल विजेट ने एक मिनिएचर पेंटिंग बनाई, मिनिएचर पेंटिंग से हमने फीचर कल्ट की क्लास में डिस्कस कर लिए थे, और जो लोग आज नए जुड़ रहे हैं दे कैन गो थ्रू ऑल द प्रीवियस लेसन्स विच आर देयर इन द प्लेलिस्ट ऑफ बिगनर्स टू मास्टर यूपीएससी सीएससी। आप वहाँ जाइए, आर्ट एंड कल्चर सेक्शन में देखिए, आपको सारा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सारी वीडियोज आपको मिलेंगी, सारे फर्स्ट क्लास से लेके सेकेंड आज तक की क्लास के सारा आपको वहाँ पे अपलोड मिलेगा, तो आप वहाँ जाके देख लीजिए, ठीक है, आपके सारे डाउट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। मिनिएचर पेंटिंग के बारे में एक बार थोड़ा सा ब्रीफली बता देती हूँ कि ये बहुत छोटी पेंट छोटे साइज और स्कोप जो होता है इन पेंटिंग का बहुत छोटा होता है, ठीक है, और ये पेरिशेबल आइटम्स में की जाती है, और इनकी
कोई पेंटिंग को अगर हमें मिनिएचर पेंटिंग कहलाना है तो देयर आर टू कंडीशन. फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट टू बी रिप्रेजेंटेड इन अ पेंटिंग शुड बी 1/5 और 1/6 ऑफ द एक्चुअल साइज ऑफ द 1/6 ऑफ द एक्चुअल ऑब्जेक्ट. मगर अगर ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो मिनिएचर पेंटिंग में कितना होगा, 1/6 बस. क्या होगा, 1/6. और जो फ्रेम का या जो साइज होता है मिनिएचर पेंटिंग में 25 स्क्वायर सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होगा. देर आर टू दीज आर टू कंडीशंस इफ अ पेंटिंग इज टू बी कॉल्ड एज मिनिएचर पेंटिंग. इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? मिनिएचर पेंटिंग क्या है, क्या कंडीशंस है मिनिएचर पेंटिंग के लिए? ठीक है, अब आगे मूव करते हैं हम. बाबर की बात कर ली. बाबर के टाइम पे क्यों नहीं पेट्रोनाइज, क्यों ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ, और थोड़ा बहुत जो डेवलपमेंट हुआ तो किसके टाइम पे हुआ, किसने करा. ठीक है, सो ये हम डिस्कस करते हैं. अब आता है हुमायूं के टाइम. हुमायूं भी ज्यादा टाइम तक रूल नहीं कर पाए. 1530 से आए, 1540 AD तक रहे. क्योंकि जब 1539 में एक बैटल हुआ था, वो बैटल कौन सा था? 1539 में जो बैटल हुआ था हुमायूं और किसके बीच में हुआ था, किसी को पता है? हिस्ट्री तो पढ़ी होगी सबने, किसी को पता है 1539 में कौन सा बैटल हुआ था? 1539 में कौन सा बैटल हुआ था? प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, आप बताइए कि 1539 में कौन सा बैटल हुआ था. इफ यू डोंट नो जस्ट आस्क मी, आई विल टेल यू. तो 1539 में अगर हम 1539 की बात करते हैं, इसके क्यों हम 1539 की बात करें, क्योंकि यहाँ पे हुमायूं की बात चल रही है. ठीक है, उसके बाद उस कॉन्टेक्स्ट में कर रहे हैं, क्योंकि इससे ही रिलेटेड बहुत सारी स्टोरीज चीजें जुड़ने वाली हैं आगे. सो 1539 AD में बैटल ऑफ चौसा हुआ. किस किसके बीच में? हुमायूं एंड शेरशाह सूरी के बीच में. जब हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में बैटल ऑफ चौसा हुआ तो कौन हारा? हुमायूं हारा, और उसको शेरशाह सूरी ने पर्शिया भेज दिया था एग्जाइल के, एग्जाइल में. ठीक है, तो उस बीच में 1540 से 1545 तक, 1540 से 1545 तक किसने रूल करा दिल्ली पे? शेरशाह सूरी ने रूल करा दिल्ली पे. ठीक है, ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था उस चीज का. अब आगे मूव करते हैं हुमायूं की जब हम बात करें. व्हेन ही केम बैक टू इंडिया, और मतलब जो 1540 में उन्हें पर्शिया भेज दिया गया, तो फिर दोबारा आए इंडिया में 1555 में. ठीक है, 1555 में दो ईरानियन और पर्शियन आर्टिस्ट को लाया, जिनका नाम अब्दुल समाद और मीर सैयद था. कौन था? अब्दुल समाद और मीर सैयद. ऐसे इनके टाइम पे थोड़ा बहुत जो पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ अब्दुल समाद और मीर सैयद के आने पे हुआ. बट 1555 में ही हुमायूं की डेथ हो गई. उसके बाद अकबर आए, और जब सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ. ठीक है, अब अकबर की बात करते हैं. जब अकबर आए, कब से कब तक रहे? 1556 AD से 1605 तक, 1505 तक रहे. तो अकबर के टाइम से ही अगर हम बात करते हैं पेंटिंग्स की जो मुगल टाइम्स में डेवलप हुई, तो बेसिकली अकबर के टाइम से ही मुगल पेंटिंग्स का डेवलपमेंट, प्रॉपर डेवलपमेंट जो स्टार्ट हुआ मुगल अकबर के आने से ही हुआ. क्योंकि अभी हमने अब्दुल समाद और मीर सैयद की बात करी, तो अकबर इन बचपन से ही इनके इन्फ्लुएंस में रहा, जिसके कारण उसका अकबर का जो डेवलपमेंट था पेंटिंग्स में बहुत ज्यादा हो गया. तो जो पेंटिंग्स का प्रॉपर डेवलपमेंट हो इसी कारण हुआ, क्योंकि अकबर वॉज फ्रॉम सिंस बर्थ इन इन्फ्लुएंस ऑफ अंडर और अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ मीर सैयद एंड अब्दुल समाद. ठीक है, उनके इन्फ्लुएंस में रहा, तो खुद ही खुद ब खुद बचपन से ही जब कोई इंसान किसी के साथ रहेगा तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट तो डेवलप हुआ, तो इसी कारण उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और इसी कारण से ही अकबर के टाइम से प्रॉपर स्टार्ट हुआ पेंटिंग्स का, मुगल पेंटिंग्स का. ठीक है, इट वॉज ओनली फ्रॉम द अकबर टाइम्स दैट मुगल पेंटिंग्स केम इन टू ओरिजन, प्रॉपर ओरिजिन. ठीक है, एंड द पेंटिंग्स आर यूजली बेस्ड ऑन टेल्स एंड एपिक्स लाइक महाभारत, रामायण एंड पर्शियन एपिक्स. जो पेंटिंग्स की थीम रही वो क्या रही? जो एपिक्स लिखे गए लाइक महाभारत या रामायण और पर्शियन एपिक्स जो भी लिखे गए होंगे वहां पे, उनके ऊपर बेस्ड होती थी. ठीक है, कुछ भी महाभारत का सीन पेंट करवा दिया, या रामायण का सीन पेंट करवा दिया, पर्शियन एपिक का सीन पेंट करवा दिया, और उनकी जो पेंटिंग्स में पेंटिंग्स हुई उसमें आपको नेचुरलिज्म भी मिलेगा. नेचुरलिज्म इज क्या? कि आप नेचर की जो चीजें हैं उनका पिक्चरिंग करा रहे हो, या कुछ भी करा रहे हो, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उनका पिक्चर पेंट करा, लैंडस्केप का डेवलपमेंट करा रहे हो, कुछ भी. सो इस तरह से अकबर के टाइम पे पेंटिंग्स का डेवलपमेंट शुरू हुआ. क्यों हुआ ये हमने डिस्कस करा. ठीक है, और अब
क्योंकि इनका खुद भी बहुत ज्यादा कीन इंटरेस्ट था पेंटिंग्स में, तो क्या हुआ, इन्होंने अकबर ने तस्वीर खाना भी स्टैब्लिश करवाया. क्या स्टैब्लिश करवाया? तस्वीर खाना. सो द क्वेश्चन कैन बी आस्क कि तस्वीर खाना वॉज स्टैब्लिश ड्यूरिंग रेन ऑफ हुमायूं और ड्यूरिंग रेन ऑफ बाबर. सो दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग. किसके टाइम पे हुआ बेसिकली? वो अकबर के टाइम पे बनाया गया. ठीक है, उसका मेन पर्पस क्या था कि जो आर्टिस्ट है उनको रिक्रूट करना है, और इस तस्वीर खाने में इंडियन आर्टिस्ट को भी रिक्रूट करा गया. सो स्टेटमेंट कैन बी आस्क्ड इन अ क्वेश्चन इन अ पेपर दैट तस्वीर खाना वॉज स्टैब्लिश बाय अकबर. दैट स्टेटमेंट विल बी राइट, बट अनदर स्टेटमेंट विल बी गिवन इन द फॉर्म दैट तस्वीर खाना ओनली रिक्रूट्स मुगल पेंटर्स. सो दैट स्टेटमेंट विल बी रॉन्ग बिकॉज दे ऑल्सो रिक्रूट इंडियन पेंटर्स. ठीक है, सो इस तरह से आपको याद रहना चाहिए ये चीजें. अब आगे बात करते हैं. तो ही इस यही वाली चीजें जो मैंने अभी डिस्कस करी हैं उनका थोड़ा सा पॉइंट फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है, तो उनको देखते हैं. ही इवन एस्टैब्लिश सेपरेट डिपार्टमेंट. सेपरेट डिपार्टमेंट वो क्या था? फॉर पेंटिंग दैट इज नोन एज तस्वीर खाना. एंड दिस तस्वीर खाना वॉज मेंट टू रिक्रूट पेंटर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स एंड इवन इंडियन पेंटर्स वर रिक्रूटेड. सो दिस पॉइंट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ठीक है, एंड डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ अकबर पेंटिंग वॉज यूज ऑफ 3D फिगर्स एंड यूज ऑफ फोर शॉर्टनिंग टेक्निक एंड यूज ऑफ कैलीग्राफी. कैलीग्राफी हमें पता है क्या है? कैलीग्राफी क्या होती है? कर्सिव राइटिंग होती है. व्हेन यू राइट लाइक दिस, एक तो होता है कैपिटल में लिखना सीधा सीधा, एक होता है इस तरह से. कर्सिव राइटिंग में क्या लिखो? अगर आपको फॉर एग्जाम्पल अकबर लिखना है तो हाउ यू विल राइट इट? विल राइट इट इन हाउ यू विल राइट इट? यू विल राइट इट इन दिस मैनर. एक जस्ट अ मिनट, अकबर लिखना है. ठीक है, अकबर हम नॉर्मली ऐसे लिखेंगे. अगर हम अकबर को कर्सिव राइटिंग में लिखें, एक मिनट, यहाँ पे आ नहीं रहा प्रॉपर. तो बहुत स्टाइलिश ऐसे कर करके लिखते हैं उसको. राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड वाली चीजें आ जाती हैं. ठीक है, तो ये हुआ. और 3D रिप्रेजेंटेशन हुआ पिक्चर्स का. अभी क्या है, मतलब 3D रिप्रेजेंटेशन कैसे? आपने उसको इस यहाँ पे खड़े ऐसे भी देख सकते हैं, ऐसे भी. तो तीनों एंगल से वो करा जा सकता है. ठीक है, अभी तक क्या हो रहा था? फ्लैट इमेजेस बन रही थी जो हम अभी तक देखते हुए आ रहे थे, तो फ्लैट इमेजेस बन रही थी. अब क्या है? 3D हुआ. और यूज ऑफ फोर शॉर्टनिंग टेक्निक. जिसके स्पेक्स लगे हैं या जिसका थोड़ा आई साइट वीक है उनको तो पता होगा, जब वो ऑप्थमोलॉजिस्ट के पास जाते हैं. सो ही यूज टू आस्क कि आप यहाँ इस मशीन पे बैठिए एंड वी विल मेजर लाइक आपका नंबर क्या है, वी विल गेट टू नो. तो एक मशीन बिठाते हैं, तो मशीन पे जब बिठाते हैं तो आप देखते हैं ना यहाँ पे एक बड़ा ऑब्जेक्ट होता है, फिर वो धीरे 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 बहुत छोटा होता चला जाता है. तो उसी तरह से पेंटिंग्स में ये वाला इफेक्ट आया, फोर शॉर्टनिंग इफेक्ट इसको बोलते हैं. ठीक है, कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? फोर शॉर्टनिंग इफेक्ट. सो फोर शॉर्टनिंग इफेक्ट आया, 3D आया, 3D पिक्चराइजेशन हुआ पिक्चर्स का. ठीक है, एंड यूज ऑफ फोर शॉर्टनिंग, यूज ऑफ कैलीग्राफी, 3D फिगर्स. ठीक है, ये सब डेवलप हुए. एंड फेमस पेंटर्स जो थे अकबर के टाइम पे, दशावन थे, केशु थे, बसावन एंड इनायत. कौन से? दशावन, बसावत, बसावन एंड केशु एंड इनायत. तो आपको पता होना चाहिए जो अकबर के टाइम पे पेंटिंग्स बनी थी उसके फीचर्स क्या थे. 3D, फोर शॉर्टनिंग एंड कैलीग्राफिक. फिर फेमस पेंटर्स पता होने चाहिए. सो आपको ये सब पता होना चाहिए, ये मैंने अभी डिस्कस करा है. अब आगे मूव करते हैं. अगर हम मुगल पेंटिंग्स की बात करते हैं तो अकबर के टाइम पे एक इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट भी लिखा गया. इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट मैंने बताया कि आपने कोई चीज पहले लिखी, कोई स्टोरी अपने हाथ से पहले लिखी. मैन्यूस्क्रिप्ट क्या थे? आप किसी स्टोरी को अपने हाथ से लिखते हैं, ना कि प्रिंटिंग मशीन से प्रिंट कराते हैं. तो मैन्यूस्क्रिप्ट हाथ से लिखे जाते हैं. और फिर जब इलस्ट्रेटेड हो जाता है, दैट इफ यू आर फीलिंग हैप्पी सो हाउ विल यू एक्सप्रेस दैट? हाउ विल यू एक्सप्रेस दैट? यू विल एक्सप्रेस लाइक आई एम फीलिंग हैप्पी, सो यू विल मेक अ स्माइली. सो वो जो यू विल मेक अ स्माइली. सो वो जो आपने लिखा है कि मैं बहुत खुश हूँ, तो वो स्माइली के ऐड होने से क्या है, और अट्रैक्टिव हो गया. ठीक है, तो इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट उनको बोलते हैं हम. सो जो अकबर के टाइम पे इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट लिखा गया,
तो वो कौन कौन से थे? टूटी नामा, टूटी नामा इज अ टेल्स ऑफ पैरट, पैरट्स पे एक इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट लिखा गया था, उसको टूटी नामा बोला। और अनवर ए सुहायली, अनवर ए सुहायली लिखी गई, जो कि पंचतंत्र का ट्रांसलेशन था, पर्शियन ट्रांसलेशन। सो क्वेश्चन कैन बी आस्क इन प्रीलिम्स दैट व्हाट इज अनवर ए सुहेली, सुहायली क्या है? अनवर है सुहायली। सो इट्स अ इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट एंड इट्स अ पर्शियन वर्जन ऑफ पंचतंत्र। सो ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अनवर ए सुहायली इज क्या है? अनवर ए सुहायली इज, अनवर ए सुहायली इज अ पर्शियन वर्जन ऑफ पंचतंत्र, ठीक है? ये इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट है। आगे मूव करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिए, चांसेस हैं कि ये पूछा जा सकता है, ठीक है? रज्मनामा, रज्मनामा क्या है? पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ महाभारत। रज्मनामा क्या है? मैच द फॉलोइंग दे देगा आपको, इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट देगा और फिर वो इपिक्स दे देंगे, इपिक्स दे देंगे या लिटरेचर दे देंगे, और आप बोलेंगे जैसे अभी हमने देखा अनवर ए सुहायली दिया, फिर उसको महाभारत, रामायण, पंचतंत्र, तो आप किससे मैच करेंगे? पंचतंत्र से। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है? आगे मूव करते हैं, अब आते हैं अकबर के बाद जहांगीर। अकबर, जहांगीर और शाहजहां के टाइम पर ही सबसे ज्यादा पेंटिंग्स का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। सो अगर हम अकबर जहांगीर की बात करते हैं, तो ऐसा सच हमें ये पता है कि अकबर की, जहांगीर की अपने टाइम पे ज्यादा चलती नहीं थी, तो उनकी जो वाइफ थी नूरजहां, वो ही बहुत पॉलिटिकल एक्टिव थी, तो इनको क्या करना था? ये बेचारे अपने पेंटिंग्स पे कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया कि भाई हमारा तो चल ही नहीं रही है, तो चलो किसी और चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो इन्होंने पेंटिंग्स पे कंसंट्रेट करना स्टार्ट कर दिया। सो ही हिमसेल्फ वॉज अ ग्रेट पेंटर, क्योंकि उनके फादर थे वो काफी अच्छे थे, ये भी काफी जो पेंटर्स आए होंगे तस्वीर खाना में उनसे इन्फ्लुएंस हुए। सो इनका भी एक कीन इंटरेस्ट बचपन से ही पेंटिंग्स में डेवलप हुआ। सो दीज थिंग्स आर अबाउट जहांगीर की, उनका डेवलपमेंट पेंटिंग में इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ, क्योंकि अकबर का ही बहुत ज्यादा बचपन से पेंटिंग्स में इंटरेस्ट था, और फिर तस्वीर खाना भी बन गया, तो उससे बहुत सारे पेंटर्स आए, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जहांगीर को इन्फ्लुएंस करा, और वो उस इन्फ्लुएंस की वजह से ही जहांगीर का पेंटिंग्स में इंटरेस्ट डेवलप हुआ। सो ही हिमसेल्फ वाज अ ग्रेट पेंटर, ही हिमसेल्फ वाज अ ग्रेट पेंटर, ये समझ, वो खुद भी पेंट करते थे, ठीक है? ड्यूरिंग हिज रेन पेंटिंग अक्वायर्ड ग्रेट चार्म एंड रिफाइनमेंट। जब जहांगीर का टाइम आया तो बहुत चार्म आया पेंटिंग्स में, एंड रिफाइनमेंट मतलब बहुत ज्यादा माइन्यूट डिटेलिंग करी जाने लगी पेंटिंग्स के अंदर, ठीक है? रिफाइनमेंट एक अलग लेवल पे, उनका क्लैरिटी को ले, पेंटिंग्स की क्लैरिटी को एक अलग लेवल पे लेके जाया गया। पहले जैसे यहाँ मानिए कि पेंटिंग्स में क्लैरिटी इतनी थी, जहांगीर के टाइम पे आते आते इस लेवल पे पहुंची, तो आप समझ रहे हैं ना कि रिफाइनमेंट किस तरह से हुआ, ठीक है? एंड नेचुरल एंड पोर्ट्रेट पेंटिंग्स वर मेड ड्यूरिंग हिज रेन। जो पेंटिंग्स बन रही थी, मिनिएचर पेंटिंग्स ही बन रही थी मुगल्स के टाइम पे, जो पेंटिंग्स बन रही थी तो वो कैसी थी? पेंटिंग्स की बात करते हैं तो वो नेचुरल एंड पोर्ट्रेट बन रही। पोर्ट्रेट में क्या है, आपने एक पेंटिंग बनाई, उसमें किसी भी रूलर का कुछ भी पोर्ट्रेट कर दे, और आप समझ पा रहे हैं मिनिएचर पेंटिंग जो इंडियन इस्लामिक या फिर जो दिल्ली सल्तनत और मुगल्स के टाइम पे मिनिएचर पेंटिंग आई, उसमें आपको देखने को मिल रहा है साइड प्रोफाइल ही मिल रहा है, किसमें? साइड प्रोफाइल मिल रहा है आपको हर इमेज में, ठीक है? वो फीचर था। अब आगे मूव करें, ग्रेट पेंटर ड्यूरिंग हिज रेन पेंटिंग एक्वायर अ ग्रेट चार्म एंड रिफाइनमेंट एंड नेचुरल एंड पोर्ट्रेट पेंटिंग्स बिकेम वेरी कॉमन एंड वर मेड ड्यूरिंग हिज रेन। सो वो खुद भी नेचुरलिस्ट थे, तो उन्होंने क्या करा कि जो नेचर का एनिमल है, नेचर से जो एनिमल है, बर्ड्स हैं, सबका पोर्ट्रेट बनवाए। सो उसमें अगर आप देखेंगे ना, तो सबसे ज्यादा फेमस जो है द टर्की, टर्की का एक पोर्ट्रेट बनवाया, और द जेब्रा इन्होंने बनवाया, अभी हम आगे उसकी इमेज देखेंगे। इन्होंने क्यों बनवाया ये सब? क्योंकि ही वाज अ नेचुरलिस्ट। क्या थे? नेचुरलिस्ट थे। और आगे मूव करें तो जहांगीर की बात करते हैं, इलस्ट्रेटेड, बट इनके टाइम पे क्या है, पोर्ट्रेट पेंटिंग्स ज्यादा बने, और इलस्ट्रेटेड जो पेंटिंग्स थे या इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट जो बने थे वो कम बने थे। क्या हुआ? कम बने। इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट हमने अभी डिस्कस कर लिया था क्या होते हैं, बट जहांगीर के टाइम पे वो काफी कम बने, इनिशियली बने थे, लेकिन जहांगीर के टाइम से उनका जो नंबर्स में जो जो नंबर था कि हाँ 10 बन रही हैं, तो अब 5 बनने लगी हैं, 4 बनने लगी, ऐसे नंबर कम हुआ, बट हाँ दे वर मेड डेफिनेटली। तो यूनिक फीचर दैट डेवलप्ड अराउंड हिज रेन वाज 3D डेकोरेटेड मार्जिन्स। अगर आप पेंटिंग को देखेंगे, तो पहले क्या हो रहा था, नॉर्मल आपने ये पेंटिंग बनाई, थोड़ा सा एक बॉर्डर बनाया,
और यहाँ पे आपने कोई भी इमेज बना दी, ठीक है, साइड प्रोफाइल के साथ। आर दीज पॉइंट क्लियर टू एवरी वन हु इज वॉचिंग द सेशन? प्लीज लेट मी नो सो दैट इफ समथिंग इज नॉट क्लियर आई विल रिपीटेड एंड मेक इट क्लियर टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए जिसको डाउट है, तो मैं क्लियर कर दूंगी उसको अभी, फिर हम आगे मूव करेंगे। प्लीज बी इंटरेक्टिव इन द सेशन। पता है जब तक आप इंटरेक्शन नहीं करेंगे ना तो सेशन इंटरेक्ट मतलब इंटरेस्टिंग नहीं बनेगा। आप इंटरेक्टिव रहिए क्लास के अंदर, ऐसे शांत बैठे रहने से तो पैसिव लर्निंग हो रही है ना, एक्टिव लर्निंग करिए। जो भी डाउट्स हैं पूछिए प्लीज, ठीक है। तो डेकोरेटेड मार्जिन्स की अगर हम बात करते हैं, तो अभी तक हम क्या देख रहे थे, इस नॉर्मल इस तरह के मार्जिन थे। अब जब जहांगीर का टाइम आया तो यहाँ पे क्या, ये आपने यहाँ डिजाइनिंग करी, कुछ भी लिखा है इसके अंदर, इसके अंदर भी डिजाइनिंग करी, इसके अंदर भी डिजाइनिंग करी, और पहले ये डिजाइनिंग करी फिर एक और बॉर्डर बनाया। सो एक बॉर्डर तो ये हो गया, एक बॉर्डर और हो गया, तो डबल बॉर्डर और डेकोरेटेड मार्जिन किसके टाइम पे आए, जहांगीर के टाइम पे। तो डबल बॉर्डर, डबल बॉर्डर और डेकोरेटेड मार्जिन के बारे में भी हमने थोड़ा जान लिया। ये क्या होते हैं डेकोरेटेड मार्जिन और डबल बॉर्डर, ये किसके टाइम पे है, जहांगीर के टाइम पे। बट अगर हम 3D की बात करें या फिर कैलीग्राफी की बात करें तो किसके टाइम पे आए थे, अकबर के टाइम पे। और इसी के टाइम पे जो फेमस पेंटर थे जहांगीर के टाइम पे वो कौन थे, उस्ताद मंसूर एंड अबुल हसन। कौन कौन से फेमस पेंटर थे, उस्ताद उस्ताद मंसूर एंड अबू हसन, अबुल हसन, ठीक है। एंड देवर द फेमस पेंटिंग ड्यूरिंग जहांगीर रेन। सो लेट्स मूव फर्दर। सो अभी हम डिस्कस कर रहे थे जो पेंटिंग बनी थी जहांगीर के टाइम पे वो कौन सी थी, जेब्रा एंड द टर्की। अगर आप समझ पा रहे हैं, डबल बॉर्डर की बात करी थी मैंने एंड डबल बॉर्डर एंड डेकोरेटेड मार्जिन। सो अगर आप मार्जिन की बात करेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पिट्रा डियोरा टाइप का, पिट्रा डियोरा टाइप के स्टाइल्स मिले। नॉट पिट्रा डियोरा प्रॉपर, पिट्रा डियोरा हमेशा मार्बल पीस पे किया जाएगा, तो उसमें क्या होता है कि वो कोई व्हाइट सरफेस है, आपने कटिंग करी एंड देन यू फिल कलरफुल मार्बल, मार्बल्स और स्टोन्स वगैरह जो भर के डिजाइनिंग होती है वो पिट्रा डियोरा होती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो ये अरबेस्क्यू टाइप का टेसिलेशन, अरबेस्क्यू टाइप के डिजाइन मिलेंगे, एक लीव से दूसरी लीव कट रही है, एक इस तरह के डिजाइन से, उसको अरबेस्क्यू बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको अरबेस्क्यू डिजाइनिंग मिलेगी, ठीक है। फिर ये डबल, ये डेकोरेटेड मार्जिन ये हो गया, फिर एक मार्जिन तो बाहर वाला हो गया, एक बॉर्डर तो ये हो गया, एक बॉर्डर ये हो गया, तो डबल बॉर्डर्स भी बने। कैसे बने, डबल बॉर्डर्स भी बने। सो आपको इस इमेज में समझ आ रहा होगा कि डबल बॉर्डर्स और डेकोरेटेड मार्जिन कैसे थे उनके टाइम पे। आर दिस पॉइंट क्लियर, जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, बी एंड बी इंटरेक्टिव इन द क्लास। आपको इंटरेक्टिव रहना पड़ेगा तभी इंटरेस्टिंग लगेगा आर्ट एंड कल्चर। ऑल्दो आई एम ट्राइंग टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग बाई यूजिंग विजुअल पिक्चर्स, बट बी इंटरेक्टिव इन द सेशन, ठीक है। सो अगर हम जेब्रा की बात करते हैं, जेब्रा हमने देख लिया डबल बॉर्डर डेकोरेटेड मार्जिन किस तरह से। अगर टर्की वाली बात थी, टर्की कॉक था, ठीक है, यहाँ पे भी आपको डबल मार्जिन अंदर वाला, ये मैंने थोड़ा क्रॉप करके इमेज डाला था इस वजह से आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा। तो हम अगर बात करेंगे तो ये डेकोरेटेड मार्जिन आपको यहाँ पे भी मिल रहा है, ये फर्स्ट अंदर वाला बॉर्डर हो गया और इसी के बाहर एक और बॉर्डर है, तो डबल मार्जिन आपको यहाँ भी मिलेगा, डबल बॉर्डर्स। सो जहांगीर के टाइम पे हमने बोला इलस्ट्रेटेड पेंट मैन्युस्क्रिप्ट भी लिखे गए, बट ज़्यादा नहीं लिखे गए थे। जो लिखा गया था वो एक जो फेमस था, अय्यार ए दानिश लिखा गया था। क्या लिखा गया था, अय्यार ए दानिश, ये इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट था किसके टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे। अगर हम जहांगीर के बाद आते हैं, जहांगीर के बाद किसके पास आते हैं, शाहजहां, शाहजहां के पास आते हैं, तो अब देखते हैं कि शाहजहां के टाइम पे क्या ही हुआ। शाहजहां के टाइम पे जो मुगल पेंटिंग्स थी उनको एक और हाइट मिली, ठीक है, एक अलग लेवल ऑफ रिफाइनमेंट मिला। क्योंकि जहांगीर के टाइम की अगर हम बात करते हैं तो जहांगीर ने चारकोल का यूज करना शुरू करा पेंटिंग्स में, प्लस पेंसिल, पेंसिल स्केचिंग इंट्रोड्यूस हुई। और जहांगीर के टाइम पे ना क्या आने लगा, यूरोपियन इन्फ्लुएंस पेंटिंग्स में आने लगा, क्या आने लगा, यूरोपियन इन्फ्लुएंस, ठीक। अब देखते हैं पेंटिंग, थोड़ा सा पॉइंट सुन लेते हैं। पेंटिंग स्टाइल चेंज रैपिडली इन शाहजहां पीरियड। अगर शाहजहां का आर्किटेक्चर डेवलपमेंट आप पढ़ेंगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा था, उसमें उन्होंने ताजमहल बनवाया। सो वो भी एक आर्किटेक्चर मार्वलस एग्जाम्पल है, ठीक है। सो अगर हम शाहजहां की बात करते तो
उनके टाइम पे जो पेंटिंग्स में भी डेवलपमेंट हुआ उसको भी एक अलग लेवल पे लेके गए शाहजहां। और आर्टिफिशियल एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करा गया, क्या करा गया, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स को इंट्रोड्यूस करा गया पेंटिंग्स में। नेचुरलिज्म को कहीं ना कहीं एक बैक से बैक सेटबैक मिला शाहजहां के आने पे, ठीक है, बट आर्टिफिशियल एलिमेंट्स को एक अलग लेवल पे ले जाया गया। एंड ही लेट मोर एम्फसाइज ऑन यूज ऑफ गोल्ड सिल्वर ब्राइट कलर इन पेंटिंग्स, जो अभी क्या है सटल कलर यूज हो रहे थे, अब शाहजहां के टाइम पे आने पे ना पेंटिंग्स में ब्राइट कलर्स यूज होने लगे, गोल्ड सिल्वर शाइनी वाले जो अपीरियंस देते हैं वो कलर यूज होने लगे, ठीक है। और नेचुरलिज्म को हमने बात करी कि वो नेचुरलिज्म को आर्टिफिशियलिटी से रिप्लेस करा गया, ठीक है, गोल्ड सिल्वर ब्राइट कलर यूज होने लगे। एंड ही रिड्यूस द लाइवलीनेस ऑफ द पेंटिंग, लाइवलीनेस ऑफ द पेंटिंग, क्योंकि जब आर्टिफिशियलिटी आ गई तो लाइवलीनेस तो खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो लाइवलीनेस पेंटिंग्स ही खत्म हो गई। एंड ही इवन इंट्रोड्यूस द यूज ऑफ चारकोल एंड पेंसिल टू ड्रॉ एंड स्केच, चारकोल एंड पेंसिल का यूज होने लगा कि आपको स्केचिंग करनी है तो उसके लिए, ठीक है। अब हमने ये भी पढ़ लिया था, डिस्कस करा था, यूरोपियन इन्फ्लुएंस आया किसके टाइम पे, शाहजहां के टाइम पे यूरोपियन इन्फ्लुएंस आया पेंटिंग्स में। यूरोपियन इन्फ्लुएंस में आप देखेंगे वाटर कलर हुआ, वाटर कलर का जो इन्फ्लुएंस होता था ट्रांसपेरेंसी लाता था वो, फिर ऑयल पेंटिंग्स का इन्फ्लुएंस जो आया वो सब कहाँ से आया, यूरोपियन इन्फ्लुएंस था, ठीक है। आगे मूव करते हैं, अब औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब ना तो इसके टाइम पे ज्यादा आर्किटेक्चर डेवलपमेंट हुए थे ना ही पेंटिंग्स का डेवलपमेंट हुआ, ठीक है, बट इसने क्या करा, ना तो उन्हें प्रमोट करा, बट जो प्रमोट कर रहे थे पहले रूलर्स पेंटिंग्स को या पेंटर्स को उनको भी हटाया गया। और अकबर के टाइम पे जो तस्वीर खाना बना था इन्होंने उसको भी बंद करा दिया, ठीक है। सो क्या हुआ, जो तस्वीर खाना में पेंटर्स रिक्रूटेड थे उन्होंने क्या करा, जब उनको पेट्रोनाइज नहीं मिला वो डिफरेंट यहाँ से दिल्ली सल्तनत से डिफरेंट डिफरेंट एरिया में चले गए, ठीक है। सो उससे क्या हुआ, रीजनल पेंटिंग्स का डेवलपमेंट हुआ, रीजनल स्कूल ऑफ पेंटिंग इमर्ज हुए। फिर उनको जो रीजनल पेंटिंग स्कूल डेवलप हुए उनमें कहीं ना कहीं इस्लामिक इन्फ्लुएंस आया। क्यों आया, इस्लामिक या मुगल इन्फ्लुएंस आया, तो वो क्यों आया, क्योंकि देवर अर्लियर वर्किंग अंडर मुगल रूलर्स, ठीक है। और ठीक है मुगल रूलर्स थे, अब हम मुगल रूलर्स में क्या क्या था, पहले उन्होंने पर्शियन जो दिल्ली सल्तनत का पेंटिंग से जो फीचर्स थे उन्होंने वो भी सीख लिया था, फिर मुगल्स के जो पेंटिंग का स्टाइल था वो भी सीख लिया था, तो उनके पास ना एक मिक्सचर था पेंटिंग स्टाइल का। सो जब वो रीजनल स्कूल में पहुंचे, रीजनल स्कूल्स जो डेवलप हुए उन पेंटिंग्स को भी उन्होंने कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस किया। सो जो रीजनल स्कूल डेवलप हुए वो मिक्सचर किसका था, मुगल्स एंड इस्लामिक पेंटिंग्स, एंड जो जो लोकल कल्चर चल रहा था पेंटिंग्स का उनको जाके बना, ठीक है। इज दिस पॉइंट क्लियर, आगे चलते हैं। ही डिड नॉट इंकरेज पेंटिंग्स एंड इवन क्लोज तस्वीर खाना एस्टैब्लिश बाय अकबर, ठीक है। सो कॉन्सिक्वेंटली लार्ज नंबर ऑफ कोर्ट पेंटर माइग्रेटेड टू प्रोविंशियल कोर्ट्स ऑन रीजनल एरियाज, अदर रीजनल एरियाज। हाउ एवर ड्यूरिंग द रेन ऑफ और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ बहादुर शाह देर वॉज अ रिवाइवल ऑफ मुगल पेंटिंग, द स्टाइल शोज एन इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑल्सो। बट औरंगजेब ने जैसे कि तस्वीर खाना और ये सब बंद करा दिया था, सो पेंटर्स ने दूसरे एरिया में माइग्रेट करना शुरू करा। उसके बाद जब बहादुर शाह आए तो थोड़ा सा रिवाइवल हुआ पेंटिंग्स का, और उस रिवाइवल में जो क्या हुआ, क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी हुआ पेंटिंग्स में। बट अगर हम 1702 तक आते हैं, 1712 तक आते हैं, तो 1712 तक आते आते पेंटिंग्स कम्प्लीटली मुगल टाइम्स की जो पेंटिंग्स का जो एक वो चल रहा था, ट्रेडिशन चल रहा था, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल खत्म हो गया, ठीक है। तो फिर नए रीजनल स्कूल डेवलप हुए। अब उन रीजनल स्कूल्स की हम बात करें तो वो कौन कौन से रीजनल स्कूल्स डेवलप हुए मुगल्स के बाद, बताइए प्लीज कमेंट सेक्शन में। ये मैंने पढ़ा, विद द ऑनसेट ऑफ शाह आलम सेकेंड द आर्ट ऑलमोस्ट बिकम नॉन एग्जिस्टेंट, मतलब खत्म ही हो गई थी, एंड एन अल्टरनेटिव स्कूल ऑफ पेंटिंग रिकॉग्नाइज एज राजपूत पेंटिंग स्टार्टेड डेवलपिंग। राजपूत एंड पहाड़ी पेंटिंग्स जो थी वो रीजनल स्कूल के फॉर्म में डेवलप हुए। आर दीज पॉइंट क्लियर, प्लीज बी इंटरेक्टिव इन द क्लास, मजा नहीं आएगा ऐसे क्लास में ना जब तक आप अपने डाउट्स नहीं पूछेंगे।
प्लीज अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, फिर हम रीजनल पेंटिंग्स में मूव करते हैं। अभी तक दिल्ली सल्तनत के टाइम पे जो भी डाउट्स हैं, या फिर मुगल्स के टाइम पे पेंटिंग्स में डाउट है, या कोई फीचर समझ नहीं आ रहा पेंटिंग का, तो आप मुझे बता दीजिए। प्लीज 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 बी इंटरेक्टिव एंड प्लीज शेयर दिस सेशन विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। ठीक है, लाइक करें सेशन को एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करें एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। प्लीज सब्सक्राइब दिस टू दिस चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और उससे पहले हम अगर रीजनल स्कूल्स की पेंटिंग की बात करते हैं, तो उससे पहले हम थोड़ा सा कुछ नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं जो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं, उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि अभी कुछ नए बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं, उसमें क्या है कि आपको कंप्लीट 1 ईयर का जीएस बैच कोर्स भी स्टार्ट हो रहा है यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन के लिए। वो कब हो रहा है? आज से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वो कोर्स बाइलिंगुअल भी है एंड इंग्लिश में भी है। और 1-2 साल का जो कि इंसान, फर्स्ट ऑफ ऑल 2021, 2022 एंड 2023 के लिए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। इसके लिए 2021 के लिए 6 मंथ्स का है, 2022 के लिए 1 ईयर का है, 2023 के लिए 2 ईयर का है। सो 2 ईयर का जीएस बैच कोर्स है, वो भी स्टार्ट हो रहा है 1 फरवरी से। ठीक है, एंड प्रीलिम्स एनसीईआरटी बैचेस जो है वो भी आज से स्टार्ट हो रहे हैं, बाइलिंगुअल एंड इंग्लिश। एंड एक्सपर्ट बैच फॉर यूपीएससी सीएससी 2021 वो भी इंग्लिश में एंड बाइलिंगुअल स्टार्ट होने वाला है। एंड देयर इज अ वीकेंड बैच प्रिपरेशन, कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी सीएससी 2021 वो भी 6 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। ये बेसिकली उनके लिए, वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है। सो जो भी है, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और जो सोच रहे हैं कि हमें प्रिपेयर करना है 2021 के लिए, दे कैन एनरोल एंड एनरोल फॉर इट। ठीक है, यूज माई प्रोमो कोड दैट इज PYM10 एंड अवेल 10% ऑफ डिस्काउंट। एंड आइकॉनिक का प्लान सब्सक्रिप्शन प्राइस हाइक हो गया 31 से। ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। अगर आप, एक और इन्फॉर्मेशन है, यूपीएससी ऑप्शनल एंड जीएस की अगर आप कंप्लीट कोचिंग लेना चाह रहे हैं, 1 साल का उसका कोर्स कितना है, अमाउंट कितना है, 88,705। अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं PYM10, सो यू ओनली हैव टू पे 70,103 रुपीज़। ठीक है, ये बहुत कम है उस अमाउंट से। अराउंड अगर आप जीएस के लिए देते हैं किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में, 1,50,000 आएंगे। और अराउंड 40 to 30,000 के बीच में ऑप्शनल की कोचिंग है, मिनिमम अमाउंट बता रही हूँ। सो आपका कितना पड़ा? ऑलमोस्ट 2 लाख पड़ा। लेकिन अगर आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे अपनी प्रिपरेशन को करना चाहेंगे, सो आपको अल्टीमेटली कितने कॉस्ट में? 17,000 रुपये में पड़ रही है बस आपको। सो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव प्रिपरेशन कराता है अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। जस्ट गो फॉर इट एंड यूज माई प्रोमो कोड दैट इज PYM10। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। ये मैंने थोड़ा बीच में रीजनल स्कूल्स के डेवलपमेंट से पहले थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन, इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी है। ठीक है, सो आई विल स्टार्ट विद रीजनल स्कूल्स। तो रीजनल स्कूल्स कौन कौन से थे? रीजनल स्कूल्स जो डेवलप हुए आफ्टर मुगल्स, देवर राजस्थानी स्कूल, राजस्थानी स्कूल का डेवलपमेंट हुआ, एंड पहाड़ी स्कूल। पहाड़ी जैसे नाम को ही पता है, ये हिमालयन रीजन्स में हुई, जैसे कि जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। एक मिनट, ये समझ नहीं आ रहा होगा आपको, मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी प्रीलिम्स में ना, कि बानी थानी पेंटिंग बिलोंग्स टू विच स्कूल। सो बानी थानी पेंटिंग्स में एक सब स्कूल है किशनगढ़ करके, किशनगढ़। सो वहां से, वहां उस स्कूल में बानी थानी पेंटिंग को बनाया गया था, ये क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस को देखना स्टार्ट करिए। अगर हम रीजनल स्कूल्स की बात करते हैं, तो 2 स्कूल डेवलप हुए, राजस्थानी और राजपूत भी बोल सकते हैं, राजपूत। ठीक है, और एक पहाड़ी स्कूल। पहाड़ी स्कूल कहाँ पे प्रेवलेंट था? जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर में बहुत सारे छोटे छोटे एरियाज हैं उनमें। और फिर आते हैं हिमाचल वाला एरिया, हिमाचल प्रदेश। सो इसमें आपको बशौली मिलेगा, कुल्लू मिलेगा, ठीक
ठीक है ये वाले। और अगर आप राजस्थानी स्कूल की बात करते हैं तो किशनगढ़, स्कूल, बूंदी स्कूल, मेवाड़ एंड मारवाड़, तो दे आर सब मारवाड़, दे आर सब स्टाइल्स अंडर राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल्स ऑफ पेंटिंग। तो दे राजस्थानी एंड पहाड़ी वर द मेन टू स्कूल्स विच डेवलप्ड इन पोस्ट मुगल पीरियड। सो लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन। सो अगर हम सब स्कूल्स की बात करते हैं अंदर राजस्थानी स्टाइल ऑफ पेंटिंग, सो दे आर किशनगढ़, जहाँ से फेमस पेंटिंग है उसकी बानी धानी, जिसको हम मोनालिसा ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। किसकी? बानी धानी। और शी इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोना लिसा ऑफ इंडिया। ठीक है। और कोटा बूंदी स्कूल है, हदोती स्कूल भी बोलते हैं इसको। अगर ये आ जाए कि दिस स्कूल बिलोंग्स टू विच स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स, तो यू विल मार्क राजस्थानी पेंटिंग्स ओनली। फिर मेरवाड़ स्कूल है और मारवाड़ है अजमेर एंड जयपुर वाला। सो वी विल स्टडी अबाउट द फीचर्स ऑफ दीज स्कूल्स वन बाय वन। सो फर्स्ट, उससे पहले एक बार सब स्कूल देख लेते हैं पहाड़ी स्टाइल में। पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग है बशोली एंड नागारा स्कूल ऑफ पेंटिंग एंड जम्मू एंड डोगरा स्कूल। ये जम्मू कश्मीर और डोगरा जो रीजन है जम्मू में ही है, तो वहाँ पे ये सब स्कूल्स डेवलप हुए। अब राजस्थानी पेंटिंग्स की बात करते हैं, तो जो मुगल पेंटिंग्स थी, मुगल पेंटिंग स्टाइल था, इन्फ्लुएंस द राजपूत स्टाइल ऑफ पेंटिंग विच वर ऑलरेडी एग्जिस्टेंट। मतलब ऐसा तो नहीं था कि भाई पेंटिंग्स का जो ट्रेडिशन है वो इंडिया में नहीं था। ऑलरेडी हमने देखा कि मिनिएचर पेंटिंग्स का डेवलपमेंट पाला डायनेस्टी से होने लग गया था। सो डिफरेंट डिफरेंट रीजनल स्कूल्स ऑलरेडी थे। ठीक। तो जब ये पेंटर्स मुगल कोर्ट से जब पैटर्नाइजेशन नहीं मिला, सो दे मूव टू रीजनल एरियाज। सो अगर जब ये राजस्थान वाले एरिया में पहुंचे, तो इन्होंने राजस्थान स्टाइल जो पेंटिंग है उसको इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करा। तो उसी की वजह से डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में गए, डिफरेंट डिफरेंट पेंटर्स से, तो सबने जो ऑलरेडी स्टाइल चल रहा था उसको उसमें मुगल इन्फ्लुएंस लाए। तो इसी वजह से क्योंकि अगर आप कोटा वाले रीजन की बात करें तो वहां पे भी थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल होगा। अगर आप मेड़वार मारवाड़ वाले रीजन की बात करें तो वहां पे भी थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट होगा। सो इसी वजह से ये सब वेरिएशंस आए राजस्थानी पेंटिंग्स के अंदर। ठीक है। एंड फोक कल्चर ऑल्सो इन्फ्लुएंस दीज पेंटिंग। फोक कल्चर कौन सा होता है? जिसका लेवल ऑफ रिफाइनमेंट थोड़ा कम होता है, जिसको आम जनता मतलब एज अ फोक कल्चर क्या होता है बेसिकली? लोकल कल्चर होता है किसी एरिया का लोकल। जैसे अगर आप राजस्थान में जा रहे हैं तो राजस्थान में जयपुर वाला एरिया है उसका एक अलग कल्चर है। अगर आप अजमेर वाले रीजन में जाएंगे तो अलग कल्चर है। ठीक है। तो वो फोक कल्चर होता है। लोग एक मेन एरिया में छोटे छोटे रीजन्स में जो एक कल्चर डेवलप होता है उसको हम फोक कल्चर बोलते हैं। ठीक है। अब द चीफ थीम ऑफ राजस्थानी पेंटिंग्स, राजस्थान पेंटिंग्स इन इंडिया इंक्लूड द लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा, ग्रेट इपिक्स ऑफ रामायण एंड महाभारत एंड लैंडस्केप एंड ह्यूमंस। अगर आप राजस्थानी पेंटिंग्स की बात करते हैं, जो यहाँ पे आपको थीम्स मिलेंगी वो कैसे मिलेंगी? पहली बात, जो थीम्स होंगी उसमें आप महाभारत से रिलेटेड जो भी इवेंट्स हुए उनका पिक्चराइजेशन करेंगे, या जो रामायण लिखा गया था ग्रेट एपिक, उसके उसमें जो चीज़ें थी या थीम्स थी या इवेंट्स जो हुए उसका पिक्चराइजेशन करेंगे, या फिर जो लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा, क्योंकि आपको पता है मीरा और कृष्णा का जो एक कनेक्शन था उसको भी पोर्ट्रेट करने की कोशिश करी जाती थी इन पेंटिंग्स में। और फिर आप लैंडस्केप का पोर्ट्रेट कर रहे हैं या ह्यूमन फिगर्स का पोर्ट्रेट करते हैं इसमें, या पिक्चराइजेशन करते हैं। तो ये दीज वर द फीचर्स ऑफ राजस्थानी पेंटिंग्स। एंड द 18th एंड अर्ली 19th सेंचुरी सॉ राजपूत पेंटिंग डेमोन्स्ट्रेटिंग इवेंट फ्रॉम लॉर्ड कृष्णा, लाइफ ऑफ कृष्णा। मतलब ये थीम्स थी और ये बेसिकली कब से स्टार्ट हुई थी? 18th और 19th, अर्ली 19th सेंचुरी से लाइफ ऑफ कृष्णा पे बेस्ड, जो कृष्णा की लाइफ थी उससे बेस्ड जो थीम्स थी, उन्होंने भी राजस्थानी पेंटिंग्स को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया। अब राजस्थानी पेंटिंग्स के और भी एक्सपेक्ट देख लेते हैं। अदर पॉपुलर थीम्स ऑफ 19th सेंचुरी पर रागमाला एंड डिवोशनल सब्जेक्ट। रागमाला आपको पता है, राग के 6 राग होते हैं बेसिकली, 6 रागास।
अभी हम रागमाला पेंटिंग्स की भी बात करेंगे। बेसिकली राग्स पे जो एक आर्टिस्ट या सिंगर का कोई भी राग, या तो भैरव राग होगा, या श्री राग होगा, या हिंडोला राग होगा, या मलकेश राग होगा, सो वो राग्स पे बेस्ड थी। पहले कोई सिंगर कोई राग गाता था और फिर उसी सीन को उस सीन का पिक्चराइजेशन किया जाता, तो वो रागमाला पेंटिंग्स होती थी। और रागमाला पेंटिंग्स ना आपको डेक्कन में भी मिल जाएंगी, पहाड़ी स्कूल में भी मिल जाएंगी, राजस्थानी स्कूल में भी मिल जाएंगी, ठीक है। सो रागमाला पेंटिंग्स आर दीज, ठीक है। राजपूत पेंटिंग वर डन ऑन वॉल ऑफ पैलेसेस इन अ चैम्बर्स ऑफ फोर्ट। अगर पेंटिंग्स की बात करें तो कहाँ कहाँ बन रही थी? पैलेसेस में वॉल्स। सो जो पिक्चराइजेशन होता था वो मिनिएचर स्टाइल में होता था, बट जो सरफेस हुआ वो चेंज हो गया, ठीक है। एंड कलर ड्राइव फ्रॉम मिनरल्स, प्लांट सोर्सेस, कॉन्शेल्स, प्रीशियस स्टोन्स, गोल्ड, सिल्वर आर यूज फॉर पेंटिंग। जो कलर जो थे वो कहाँ से मिल रहे थे? इनको बेसिकली मिनरल्स से मिल रहे थे, जो लोकल मिनरल अवेलेबल थे, प्लांट सोर्सेस थी, कॉन्शेल्स थे, प्रीशियस स्टोन्स एंड गोल्ड सिल्वर जो भी था उनसे वो नेचुरल कलर को ले रहे थे। आगे मूव करते हैं। अगर आप स्कूल ऑफ राजस्थानी पेंटिंग या राजपूत पेंटिंग्स की बात करते हैं, न्यूमरस फ्रॉम 16th सेंचुरी इटसेल्फ, न्यूमरस स्कूल्स इमर्ज फ्रॉम राजपूत पेंटिंग एंड दे इंक्लूड अंबेर एंड जयपुर स्कूल। फर्स्ट हमने बोला था ना कि इसमें भी सब स्कूल्स डेवलप हुए क्योंकि लोकल कल्चर इन्फ्लुएंस कर रहा था कहीं ना कहीं। तो अंबेर का जो लोकल कल्चर, जयपुर का जो लोकल कल्चर था, उनका एक डिफरेंट स्टाइल, राजस्थानी पेंटिंग का एक सब स्टाइल डेवलप हुआ, तो उसके बारे में बात करते हैं। द पेंटिंग्स ऑफ जयपुर एंड अजमेर डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग मुगल इन्फ्लुएंस। जो आपको अंबेर और जयपुर वाले एरिया में पेंटिंग्स मिलेंगी, वहां पे आपको स्ट्रॉन्ग क्या मिलेगा? स्ट्रॉन्ग मुगल इन्फ्लुएंस मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डिस्प्ले स्ट्रॉन्ग मुगल इन्फ्लुएंस, ओके। एंड अलॉन्ग विद ब्लड बोल्ड कॉन्फिगरेशन एंड यूज ऑफ कॉन्सेप्ट रिफ्लेक्टेड रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे पहली बात आपको, यहाँ पे देखिए मीटिंग हो रही है मुगल रूलर्स के बीच में किसी के, या लोकल, यहाँ पे आप देख पाएंगे ये डेफिनेटली इस्लामिक रूलर, इस्लाम से रिलेटेड है कुछ ना कुछ, जो एलिमेंट जो पर्सन है ये इस्लाम से रिलेटेड है। ये अगर आप समझ पा रहे हो तो कहीं ना कहीं राजस्थानी अटायर दिख रहा है, ठीक है। सो इन्होंने कोर्ट सीन्स या प्रोसीडिंग या जो भी डिसीजन हुए उनके बारे में बात की गई है, ठीक है, उसको डिपिक्ट कर रहे हैं। आपको मोस्टली फिगर्स को देखेंगे ना, फ्रंट साइड से नहीं है, सब साइड प्रोफाइल आ रहा है। ये थोड़ा सा टिल्टेड है, मतलब नॉट कम्प्लीटली साइड प्रोफाइल, थोड़ा सा टिल्टेड है बट फ्रंटल नहीं है, ठीक है। तो ये समझ आ रहा होगा आपको। अब अगर हम दूसरे स्कूल की बात करते हैं, तो बीकानेर स्कूल है, वो भी क्या है, सब स्कूल है राजस्थानी पेंटिंग्स के अंदर, ठीक है। पेंटिंग्स ऑफ बीकानेर वाज बेस्ड ऑन मुगल कस्टम। जो बीकानेर में भी जो पेंटिंग्स बनी वो भी मुगल कस्टम्स पे बेस्ड थी। और इन पेंटिंग्स में आपको डेक्कन पेंटिंग्स का भी इन्फ्लुएंस मिलेगा। एंड कोटा बूंदी स्कूल की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी हैवी मुगल इन्फ्लुएंस मिलेगा, पर यहाँ पे एट्रोसिटी, एस्ट्रोक्रेसीज, लवर्स एंड वुमेन्स के सीन का प्रेडिक्शन किया जाएगा। अगर आप इस कौन से स्कूल की बात करते हैं, कोटा बूंदी स्कूल में अगर आप देखेंगे, तो आपको एस्ट्रोक्रेटिक जो क्लास है उसका रिप्रेजेंटेशन होगा, या लव सीन्स है, या वुमेन्स का ज्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा, पिक्चराइजेशन होगा। अगर हम किशनगढ़ स्कूल की, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, थोड़ा सा एक फेमस पेंटिंग निकल के आई थी, ये है पेंटिंग बानी थानी की, जिसको हम क्या बोलते हैं, मोनालिसा ऑफ इंडिया। ठीक है, तो किशनगढ़ स्कूल निकल गया। इट वॉज एसेंशियल अ सिंथेसिस ऑफ मुगल एंड लोकल स्टाइल। ये एक मिक्सचर किसका था, किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग मुगल्स एंड लोकल स्टाइल, जो लोकल एरिया में जो स्टाइल होगा उसका मिक्सचर था। द थीम ऑफ दिस स्टाइल कंप्राइज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अफेक्शन बिटवीन राधा एंड कृष्णा। तो जो थीम थी किशनगढ़ स्कूल में, वो किसका बेस्ड, किसकी लाइफ पे बेस्ड थी? कृष्णा एंड राधा की लाइफ पे बेस्ड थी, या ठीक है। तो आपको समझ आ गया। अगर हम मेवाड़ स्कूल की बात करते हैं, एक और मेवाड़ स्कूल है, मारवाड़ और मेवाड़ रीजन है, तो अगर आप मेवाड़ स्कूल की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ राजस्थान की पेंटिंग ऑफ मेड़वार इज दैट ऑफ रागमाला पेंटेड इन पाली। जो मेवाड़ स्कूल में आपको एग्जाम्पल मिलेगा, तो वो है एक रागमाला पेंटिंग करी गई है, ठीक
ठीक है, द मोस्ट कॉमन थीम्स इनकम्पास्ड द पेंटिंग्स ऑफ नोबल्स ऑन हॉर्सेस एंड कोर्ट सीन्स। इसमें अगर आपको जो मारवाड़ स्कूल मिलेगा ना, तो उसमें आपको कौन कौन सी फेमस थीम्स, कौन जो पेंटिंग्स बन रही है वो किस थीम पे बन रही है, कि या तो कोई रूलर हॉर्स पे राइड करता हुआ जा रहा है या कोई कोर्ट सीन है। और एक दूसरा स्कूल निकल गया है मेवाड़, ये मारवाड़ रीजन था, ये मेवाड़ स्कूल है, मेवाड़ स्कूल। तो ये इट फोकस्ड ऑन ट्रेडिशनल स्टाइल ट्राइंग टू अवेट द सुप्रीमेसी ऑफ मुगल्स। तो ये एक यहाँ पे याद रखिए, जो बाकी सारे स्कूल्स थे वो क्या कर रहे थे, वो मुगल इन्फ्लुएंस, मुगल का जो पेंटिंग स्टाइल था, मुगल्स का जो पेंटिंग स्टाइल था, उससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे थे सारे के सारे। बट जो मेवाड़ स्कूल है उसने अवॉइड करा यूज, मतलब गेटिंग इन्फ्लुएंस, मतलब इट ट्राइड टू, उसने क्या कोशिश करी, कैसे बोलूं मैं, उसने कोशिश करी कि हमें अपनी पेंटिंग्स में मुगल इन्फ्लुएंस नहीं लाना। उसने इट ट्राइड टू इवेट द सुप्रीमेसी, जो सुप्रीमेसी चल रही थी मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग की, उसको अवॉइड करना, करने की सोची अपनी पेंटिंग्स में, कि हम इनके जो कैरेक्टर, इनके जो पेंटिंग्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो अपनी पेंटिंग्स में नहीं लाएंगे। तो वो कौन सा स्कूल था, मेवाड़, नॉट मारवाड़, तो ये याद रखिए। और आते हैं पहाड़ी पेंटिंग में, हमने क्योंकि दो रीजनल पेंटिंग्स, दो रीजनल स्कूल्स की डेवलपमेंट की बात करी थी पोस्ट मुगल पीरियड में, तो उसमें एक हमने राजस्थानी के बारे में बात करा, राजस्थानी पेंटिंग्स के बारे में बात करा, और दूसरा किसके बारे में बात करा हमने, दूसरा बात करा हमने पहाड़ी पेंटिंग। पहाड़ी पेंटिंग्स जो बेसिकली डेवलप हुई थी वो हिमालय रीजन में हुई थी, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश वाले एरिया में डेवलप हुई। और ये भी दे कैन बी डिवाइडेड इनटू मेनी सब ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर ज्योग्राफिकल लोकैलिटी, ज्योग्राफिकल कंडीशंस और ज्योग्राफिकल वेराइटी। ठीक है, तो बशोली एंड कुल्लू स्टाइल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय चारू पंसिका स्टाइल। चारू पंसिका स्टाइल पता है आपको, बिल्हना ने लिखी थी, जम्मू कश्मीर का जो बिल्हना ने चारुपंसिका लिखी थी, जो कि इलस्ट्रेटेड मैन्यूस्क्रिप्ट था। ठीक है, इसमें चंपावती वाज स्टैंडिंग नियर टू लोटस पॉन्ड, वो वाली स्टोरी थी। ठीक है, सो ये जो बशोली कुल्लू कुल्लू स्टाइल था, ये इट वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय चारुपंसिका स्टाइल। ठीक है, सो कहीं ना कहीं नेचरिज्म को भी, नेचरिज्म जो था पहाड़ी पेंटिंग्स में वो बहुत ज्यादा था। ठीक है, क्योंकि वहां पे अगर आप देखेंगे ना, तो जो रीजनल बायोडायवर्सिटी थी, फ्लोरा एंड फौना की, उसका ज्यादा रिप्रेजेंटेशन हुआ है पहाड़ी पेंटिंग्स में, नॉट इन राजस्थानी। राजस्थान में आपको मोस्टली जो सीन्स मिलेंगे वो मिलेंगे कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो गई, बैटल सीन्स हो गए, उन सब का पिक्चराइजेशन ज्यादा मिलता है, लेकिन पहाड़ी में आपको नेचुरलिज्म ज्यादा मिलेगा। ठीक है, एंड गुलेर एंड कांगड़ा स्टाइल बेस्ड ऑन काम कलर्स एंड मॉडिफिकेशन। जो गुलेर एंड कांगड़ा स्टाइल है उसमें काम कलर्स, बहुत शांत पीस, आई सूदिंग कलर्स जो होते हैं उनका यूज हुआ है। तो दीज ऑल अबाउट पहाड़ी पेंटिंग एंड टाइप्स ऑफ पहाड़ी पेंटिंग। अगर हम आज हमने बोला कि पहाड़ी पेंटिंग बेसिकली दो रीजन से बिलोंग करती थी, फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज जो हिमाचल वाला एरिया है, देन अदर वन वॉज जम्मू कश्मीर वाला एरिया जो है। जो अगर अब हम हिमाचल की बात करते हैं, तो हिमाचल में भी ना बहुत सारे सब स्टाइल डेवलप हुए, वो रीजनल डाइवर्सिटी की वजह से हुए, सॉरी ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटीज की वजह से हुए। तो पहला उसमें कौन सा है, बशोली पेंटिंग्स। कौन सा, बशोली पेंटिंग्स। बशोली इज अ टाउन इन हिमाचल प्रदेश एंड इज नोन फॉर बशोली पेंटिंग्स। द टाउन इज क्रिएट हैज क्रिएटेड वंडरफुल देवी सीरीज, मैग्निफिसेंट सीरीज ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ द सुप्रीम गॉडेसेस। तो यहाँ पे जो पिक्चर्स बन रहे थे उसमें क्या है, देवी सीरीज, मतलब जो इंडियन गॉडेसेस होते हैं, गॉड गॉडेसेस होते हैं, उनका रिप्रेजेंटेशन करा गया है। ठीक है ना, इट इज ऑल्सो नोन फॉर मैग्निफिसेंट डिपिक्शन ऑफ रसमंजरी टेक्स्ट। जो यहाँ पे पेंटिंग्स थी ना, एक तो वो जो इंडियन गॉडेसेस हैं उनका रिप्रेजेंटेशन कर रही थी और पिक्चराइजेशन कर रही थी, फिर रासमंजरी एक टेक्स्ट है, उसमें जो थीम्स थी ना उससे इन्फ्लुएंस थे ये बशोली पेंटिंग्स ना, उसमें जो भी सीन डिपिक्शन, सीन डिस्क्राइब करा गया होगा रासमंजरी में, जो सीन डिस्क्राइब करा गया उनसे इन्फ्लुएंस होके इन्होंने पेंटिंग्स का पिक्चराइजेशन करा, और उन सीन्स का पिक्चराइजेशन करा गया जो बेसिकली रासमंजरी में एक्सप्लेन थे। ठीक
एंड इसमें क्या है, ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स, ब्राइट कलर एंड लस्ट्रस एनामल डिपिक्ट बशोली पेंटिंग्स। सो जो बशोली पेंटिंग्स की बात करते हैं तो इसमें क्या है, ज्योग्राफिकल पैटर्न्स का यूज करा गया है, ठीक है, ज्योग्राफिकल पैटर्न्स का यूज करा गया है, ब्राइट कलर यूज करा गया, लस्ट्रस एनामल भी यूज करा गया, कि वो जो लस्ट्रस एनामल है उससे क्या है कि शाइनी लुक आ रहा था पेंटिंग, क्या आ रहा था, शाइनी लुक। आगे मूव करते हैं। अब हिमाचल में ही एक दूसरा सब स्कूल है, चंबा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। कौन सा, पहाड़ी स्कूल में, हिमाचल पहाड़ी स्कूल की अगर हम बात कर रहे हैं तो पहाड़ी में क्या हुआ, हिमाचल, हिमाचल में भी बहुत सारे रीजनल स्कूल। तो हमने अभी बशोली की बात करी, बशोली के क्या क्या कैरेक्टर्स थे, अब हम आते हैं चंबा पे, ठीक है। द अपीयरेंस ऑफ चंबा पेंटिंग इज सिमिलर टू द मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग। यहाँ पे आपको चंबा पेंटिंग्स में जो मुगल इन्फ्लुएंस दिखेगा, चंबा पेंटिंग्स में मुगल इन्फ्लुएंस डेफिनेटली दिखेगा, ठीक है। और जो बशोली था उसमें चंबा जो वो है, मुगल इन्फ्लुएंस थोड़ा कम था, क्योंकि यहाँ देवी गॉडेसेस, इंडियन गॉड गॉडेसेस का पिक्चराइजेशन हो रहा था, या रास मंजरी जो टेक्स्ट है उसके सीन्स का पिक्चराइजेशन हो रहा था। लेकिन अगर आप चंबा की बात करते हैं तो यह मुगल इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा, और आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस मिलेगा डेक्कन एंड गुजरात स्टाइल ऑफ पेंटिंग का भी। कहाँ पे, चंबा पेंटिंग्स में, डेक्कन एंड गुजरात स्टाइल ऑफ पेंटिंग। एंड द लेट 17th सेंचुरी सीन चंबा पेंटिंग बीइंग डोमिनेटेड बाय बशोली स्टाइल विच इवेंचुअली पेव द वे टू गुलेर पेंटिंग्स। अब क्या हुआ, 17th सेंचुरी के आते आते, क्योंकि जो रीजनल पेंटिंग्स डेवलप हो रही थी ना 16th सेंचुरी से ही हो रही थी, बट 17th सेंचुरी के आते आते क्या हुआ, बशोली पेंटिंग्स से जिनके बारे में भी हमने डिस्क्राइब करा, उन्होंने चंबा पेंटिंग्स को इन्फ्लुएंस करने लग करने करने शुरू कर दिया। तो जो बशोली और चंबा का जो कॉम्बिनेशन निकल के आया वो किस में आया, गुलेर पेंटिंग्स की फॉर्म में। किस में, गुलेर पेंटिंग्स की फॉर्म, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, अब बिलासपुर पेंटिंग्स की बात करते हैं। बिलासपुर भी एक सब वेरी सब स्कूल है पहाड़ी पेंटिंग्स में, हिमाचल की पहाड़ी पेंटिंग्स में। बिलासपुर इज अ टाउन लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश ओनली, एंड दिस टाउन हैज विटनेस ग्रोथ ऑफ पहाड़ी पेंटिंग अराउंड मिड 17th सेंचुरी। यहाँ पे आपको पेंटिंग्स में पहाड़ी पेंटिंग्स का डेवलपमेंट हुआ है, वो कब हुआ है, 17th सेंचुरी के आसपास हुआ। अपार्ट फ्रॉम द वर्क्स ऑफ भगवत पुराना, रामायण एंड रागमाला सीकर, द पेंटर ऑल्सो मेड पेंटिंग्स ऑन कवरलेट्स फॉर स्कारमेंट्स एंड रिचुअल्स। सो जो रिचुअल्स होते थे, पहली बात तो यहाँ पे जो पेंटिंग्स बन रही थी वो कैसी बन रही थी, आपको जो पेंटिंग्स बनेंगी वो भगवत पुराण जो है उसके सीन्स का डिपिक्शन था, रामायण के सीन्स का डिपिक्शन था, या रागमाला का डिपिक्शन था। उसके साथ साथ इन्होंने कुछ कुछ सेक्रेड रिचुअल्स जो होते थे उनका भी डिपिक्शन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। आगे मूव करते हैं, गुलेर कांगड़ा पेंटिंग, जो गुलेर किस किस का मिक्सचर बना था, बशोली एंड चंबा का, जब चंबा पेंटिंग्स को बशोली पेंटिंग्स ने इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर दिया। अब क्या हुआ, हमने देखा चंबा पेंटिंग्स में मुगल इन्फ्लुएंस था, डेक्कन एंड गुजरात पेंटिंग्स का भी इन्फ्लुएंस था, ठीक है, बट बशोली में क्या था, मेनली इंडियन गॉड गॉडेसेस का डिपिक्शन हो रहा था, रास मंजरी जो टेक्स्ट था उसका डिपिक्शन हो रहा था। अगर हम अब गुलेर पेंटिंग्स की बात करते हैं, गुलेर कांगड़ा पेंटिंग्स की बात करते हैं, तो ये अराउंड 18th सेंचुरी के आसपास डेवलप हुआ, लेट 18th सेंचुरी, ठीक है। एंड इट वॉज अ नेचुरलाइज्ड वर्जन ऑफ पेंटिंग विद एविडेंट डिफरेंस इन ट्रीटमेंट ऑफ आईज एंड मॉडलिंग ऑफ फेस। इसमें क्या है कि इसमें आपको नेचुरलिज्म मिलेगा, नेचुरलिज्म में क्या है कि फ्लोरा एंड फौना का बहुत ज्यादा डिपिक्शन होगा, अलॉन्ग विद मैन वुमेन्स के जो पिक्चराइजेशन होगा वो भी। बट यहाँ पे क्या हुआ, जो ट्रीटमेंट ऑफ आईज है, मतलब आईज का जो, मतलब आईज को आप कैसे पेंट करोगे, उसका स्टाइल चेंज हो गया, और फेस का जो रिप्रेजेंटेशन था वो भी, फेस का जो पिक्चराइजेशन था वो भी कांगड़ा एंड गुलेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग में चेंज हो गया, ठीक है। क्या हुआ, ये समझ आ गया होगा, कब डेवलप हुए, 18th सेंचुरी के आसपास, नेचुरलाइज वर्जन ऑफ पेंटिंग्स में नेचुरल एलिमेंट्स को ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया, और ट्रीटमेंट ऑफ आईज एंड मॉडलिंग ऑफ फेस चेंजेस, ठीक है। एंड लैंडस्केप वर ऑल्सो जनरली यूज एज अ थीम इन कांगड़ा गुलेर स्टाइल ऑफ पेंटिंग। जो लैंडस्केप होते हैं, नेचुरल लैंडस्केप हो रहे हैं, कोई पहाड़ है, ठीक है, उसके पास का सीन है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रीज हैं, ये रात में चांद बना हुआ है, तो ये क्या, ये भी बहुत ज्यादा बने थे इस टाइम की जो पेंटिंग्स बनी थी कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स में।
ठीक है, एंड द स्टाइल ऑल्सो एम्फसाइज ऑन ग्रेस एंड रिफाइनमेंट ऑफ इंडियन वुमेन. जो इसमें इंडियन वुमेन का रिप्रेजेंटेशन था बहुत ही रिफाइंड था. मतलब रिफाइंड कैसे, साइड प्रोफाइल होगा, स्लिम वेस्ट होगी, एक आइडियलिज्म को रिप्रेजेंट कर रहे थे. जो आप देख पा रहे हैं ना, जो मिनिएचर पेंटिंग्स हैं वो क्या कर रही है, आइडियलिज्म को रिप्रेजेंट कर रही है. मतलब स्लिम वेस्ट होना चाहिए, शार्प नोज होनी चाहिए, बल्जिंग आईज होनी चाहिए. वो कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं आइडियल वुमेन ऐसी दिखती है. ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो मिनिएचर पेंटिंग्स है ना, ये आइडियलिज्म को प्रमोट करें. किसको, आइडियलिज्म को. ठीक है, अब आगे मूव करते हैं. अब आता है इसी में जो पहाड़ी पेंटिंग, गढ़वाल पेंटिंग्स हैं. गढ़वाल पेंटिंग्स बिलोंग्स टू स्टेट ऑफ उत्तराखंड वाले एरिया में, उत्तराखंड और हिमाचल का जो बॉर्डर वाला एरिया है वहां पे. ठीक है, तो आपको ये वहां मिले. इट वॉज इनिशियली डोमिनेटेड बाय मुगल स्टाइल. जो गढ़वाल पेंटिंग थी उसमें भी आपको मुगल स्टाइल मिलेगा. ठीक है, एंड लेटर इट बिगेन टू रिफ्लेक्टिंग सिंपलर वर्जन ऑफ कांगरा गुलेर पेंटिंग. ठीक है, बट इनिशियली क्या था कि जो मुगल इन्फ्लुएंस था पेंटिंग्स में वो आया. क्योंकि ये सब ना क्यों आ रहा था, एक तो लोकल स्टाइल तो चल ही रहा था, बट जो पेंटर्स आए बाहर से उन्होंने लोकल स्टाइल को अफेक्ट करना शुरू कर दिया. तो इनिशियली तो इन्होंने बहुत ज्यादा अफेक्ट करा, पर धीरे धीरे लोगों को ये लगने लगा कि भाई हमारा जो एक ट्रेडिशन है वो कहीं ना कहीं लुप्त होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है. सो फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी पेंटिंग्स का जो ट्रेडिशन था उसी को कंटिन्यू करा, और इन जो मुगल्स का इन्फ्लुएंस था उसको कम करा पेंटिंग्स में. अब कुल्लू पेंटिंग्स की अगर बात करते हैं, तो इसमें मधु मालती का मैन्युस्क्रिप्ट है, उसका पेंटिंग करा गया है. और भगवत पुराण है, उनकी भगवत पुराण की जो थीम्स है उन पे पेंटिंग बनी है कुल्लू पेंटिंग में. तो इस तरह से हमने, अब मंडी पेंटिंग्स भी हिमाचल पहाड़ी पेंटिंग्स में ही आएंगी. ठीक है, तो नया स्टाइल डेवलप हुआ किसके अंडर, राजा सिंध सेन. किसके अंदर हुआ ये डेवलप स्टाइल, राजा सिंध सेन फ्रॉम 1684 टू 1727 AD. किसके अंडर डेवलप हुआ, 1684 टू 727 AD के बीच में डेवलप हुआ. ठीक है, एंड द पेंटिंग पोर्ट्रेट द रूलर एज अ कोलोसल फिगर विद एग्जेजरेटेड ह्यूज हेड हैंड एंड फीट. इसमें भी आपको पिक्चर्स बन रहे थे पेंटिंग्स के अंदर, उनका एग्जेजरेशन हो रहा था. फीट, लंबे लंबे पैर, हाथ, इस तरह से ह्यूज हेड, इस तरह की फिगर्स बन रही थी कुल्लू मंडी पेंटिंग्स में. एंड ज्योमेट्री के कॉन्फिगरेशन विद सटल एंड रियलिस्टिक डिटेल्स कैरेक्टराइज अदर वर्क्स. इसमें ज्योमेट्रिकल कॉन्फिगरेशन मिलेगा, सटल एंड रियलिस्टिक डिटेलिंग आपको मिल रही थी. अब नूरपुर पेंटिंग्स भी हैं. नूरपुर पेंटिंग्स की बात करते हैं तो नूरपुर पेंटिंग भी हिमाचल में ही मिली है आपको. एंड एम्प्लॉय ब्राइट कलर एंड फ्लैट बैकग्राउंड. आपको यहाँ पर ब्राइट कलर का यूज मिलेगा एंड फ्लैट बैकग्राउंड है. एंड लेटर डेजलिंग कलर्स वर सब्स्टिट्यूटेड बाय सब्ड्यूड वन. जो फिर डेजलिंग कलर्स का लास्ट में जाते जाते डेजलिंग कलर का यूज होने लगा. ठीक है, अगर हम जम्मू कश्मीर के स्टाइल ऑफ पेंटिंग, पहाड़ी पेंटिंग्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत सारे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी की वजह से डिफरेंट डिफरेंट सब स्कूल डेवलप हुए. ठीक है, सम फॉर्म ऑफ पहाड़ी पेंटिंग फ्रॉम जम्मू कश्मीर रीजन आर एज फॉलोज. जम्मू पेंटिंग्स बी आर अ रिमार्केबल रिजेंबलेंस टू कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग. कौन सी, जो कि जो जम्मू कश्मीर की पेंटिंग्स हैं वो वहाँ पे आपको किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखने मिल रहा है, कांगड़ा स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स में. ठीक है, एंड शंगरी शंगरी रामायणा ऑफ द लेट 17 एंड 18 सेंचुरी वाज प्रोड्यूस्ड इन जम्मू इटसेल्फ. तो जो शंगरी रामायणा था जो 17वीं और 18वीं सेंचुरी में जम्मू कश्मीर था, उसने जो जम्मू कश्मीर की पेंटिंग्स थी वो उनकी थीम्स को इन्फ्लुएंस करा. किसको, शंगरी रामायण, नॉट नॉर्मल रामायण, शंगरी रामायणा. शंगरी रामायण लेट 17वीं सेंचुरी एंड अर्ली 18वीं सेंचुरी वॉज प्रोड्यूस्ड इन जम्मू इटसेल्फ. ठीक है, आगे बात करते हैं. और जसरोटा पेंटिंग्स, जसरोटा पेंटिंग्स भी कौन से स्कूल से बिलोंग करती थी, जम्मू कश्मीर का एक पहाड़ी, जम्मू कश्मीर पहाड़ी पेंटिंग का स्टाइल है और जसरोटा उसका एक सब स्टाइल है. ठीक है, जसरोटा पेंटिंग्स आर मेनली फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर एंड इट ऑर्बिट्स अराउंड इवेंट्स ऑन लाइफ ऑफ किंग, कोर्ट सीन्स एंड सिम्बोलिक सीन्स. जो जसरोटा पेंटिंग्स की थी बेसिकली किससे बिलोंग करती थी, लाइफ ऑफ किंग, कोर्ट सीन्स और जो सिम्बॉलिक सीन्स होते थे, कुछ भी सिंबल है उसका रिप्रेजेंटेशन किया. एक और पेंटिंग्स है जिनको हम बोलते हैं मानकोट पेंटिंग्स. कौन सा, मानकोट पेंटिंग्स, मानकोट पेंटिंग्स की बात करें तो मानकोट पेंटिंग्स आर फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर रीजन. कहाँ पे मिली है आपको, जम्मू एंड कश्मीर रीजन में. एंड इनकी जो सिमिलरिटी है ना, वो बसोहली पेंटिंग्स से सिमिलर है. बसोहली पेंटिंग्स की हम बात करी थी,
हिमाचल प्रदेश का जो स्टाइल था, सब स्टाइल उसके उसके जो फीचर्स थे कहीं ना कहीं मानकोट स्टाइल ऑफ पेंटिंग को इन्फ्लुएंस कर रहे थे. एंड दे यूज विविड कलर्स एंड बोल्ड सब्जेक्ट्स. बोल्ड सब्जेक्ट्स होते थे मोटे मोटे, मतलब एक शार्पनेस नहीं होती थी, मोटे मोटे क्रूड टाइप होगा. एंड इन मिड 17th सेंचुरी द पोर्ट्रेचर्स बिकम जनरल थीम. अगर आप 17th सेंचुरी के आसपास आएंगे तो पोर्ट्रेटिंग जो होती थी किंग्स की या कुछ भी, वो बहुत कॉमन थीम हो गई थी. एंड दे लेटर एम्फसाइज डिफरेंट द लेटर द एम्फसाइज डिफरेंट टू नेचुरलिज्म एंड म्यूटेड कलर. तो बाद में जाते जाते 18th सेंचुरी आते आते ये नेचुरलिज्म को ज्यादा रिप्रेजेंट करने लगे. ठीक है. सो ये मानकोट, जसरोटा, जम्मू, ये सब किसके पहाड़ी स्टाइल जो है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के पहाड़ी स्टाइल हमने पढ़े दो तरह के, तो एक हिमाचल था एक जम्मू कश्मीर. जो मानकोट है या जो जसरोटा है या जम्मू जो है, वो जम्मू कश्मीर का जो पहाड़ी स्टाइल है, ये सब पहाड़ी स्टाइल में ही आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है. अब आगे मूव करते हैं. एंड विच कलर वॉज यूज इन पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग. तो पहाड़ी स्कूल में जो पेंटिंग्स जो होते हैं, तो इम्पोर्टेंट फीचर जो है पहाड़ी पेंटिंग्स का, डेलिकेट टच ऑफ लाइन एंड यूज ऑफ वाइब्रेंट कलर. यहाँ पे अगर आप पहाड़ी पेंटिंग्स में देखेंगे ना, क्योंकि अगर आप नेचुरल ब्यूटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं ना, तो नेचुरल ब्यूटी को जितने ज्यादा ब्राइट कलर से एक्सप्रेस करेंगे उतना इफेक्टिव और उतना अट्रैक्टिव लगता है. सो यहाँ पे क्या हो रहा था, नेचुरल ब्राइट कलर्स यूज करे जा रहे थे. कौन से ब्राइट कलर, जैसे येल्लो हो गया, रेड हो गया, ब्लू हो गया. एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट पहाड़ी पेंटिंग हैड देयर ओन स्टाइल एंड ऑफ ऑल द डिफरेंट स्टाइल ऑफ पेंटिंग द कांगड़ा वॉज मोस्ट पॉपुलर. अगर पहाड़ी पेंटिंग की बात आती है, पहली बात नेचुरल कलर, मतलब कलर कैसे थे, ब्राइट कलर. अगर सबसे पहाड़ी इंपॉर्टेंट जो पहाड़ी पेंटिंग है उसको कौन सा है, बसोली है या कांगड़ा. सो याद रखिए, कांगड़ा एंड बसोली पेंटिंग्स आर इम्पोर्टेंट पहाड़ी पेंटिंग्स. ठीक है, ये आपको याद रखना है. एंड व्हेन डिड पहाड़ी पेंटिंग फ्लरिश. पहाड़ी पेंटिंग का फ्लरिश की बात करते हैं, कब इनका ओरिजिनेशन हुआ. तो पहाड़ी पेंटिंग फ्लरिश डेवलप एंड डेवलप ड्यूरिंग 17th टू 19th सेंचुरी. 17th सेंचुरी से 19वीं सेंचुरी तक इसका डेवलपमेंट हुआ. अगर आप देख रहे हैं ना, हम पहाड़ी पेंटिंग से देखें, आपको लैंडस्केप के सीन मिल रहे हैं, साइड प्रोफाइल, ये मिनिएचर पेंटिंग्स, ब्यूटी एग्जेजरेशन हो रहा है. ठीक है. सो देखिए, बहुत माइन्यूट डिटेलिंग है, आईज का ट्रीटमेंट बदल गया है. ठीक. सो ये देखिए, पीछे नेचुरल सीन्स का डिपिक्शन है, यहाँ बर्ड्स हैं. इस तरह से इन्होंने लैंडस्केप के पोर्ट्रेट करे, ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी को एम्फसाइज करा. यहाँ पे पॉन्ड पॉन्ड में देखिए, लोटस लोटस आपको लोटस दिखेगा फ्लोट करता हुआ, डक्स दिख रहे हैं. सो नेचुरल ब्यूटी को बहुत ज्यादा एम्फसाइज करा गया है. एंड कहाँ डेवलप हुआ, हिली एरियाज लाइक जम्मू, गढ़वाल, बसोली. दीज पेंटिंग मोस्टली डन इन मीनिएचर फॉर्म ऑफ पेंटिंग एंड ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय मुगल पेंटिंग ऑफ औरंगजेब पीरियड टू सम एक्सटेंट. ठीक है, समझ आया कब हुआ, 1718. कौन से रीजन थे, मीनिएचर पेंटिंग जो मुगल के टाइम पे आ रही थी, उस ट्रेडिशन ने इनको इन्फ्लुएंस करा है. तो आज हम इंडियन पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं. ये तो सब चल रहा था नॉर्थ का सीन. अब जब हम नीचे आते हैं, नीचे आते हैं, तो एक नीचे मूव करने से पहले हम देखते हैं रागमाला पेंटिंग्स. रागमाला पेंटिंग्स का भी मैंने थोड़ा सा डिस्कशन पहले कर लिया था. रागमाला पेंटिंग्स का क्या है, इट मींस व्हेन अ सिंगर सिंग्स एंड आफ्टर वर्ड आर्टिस्ट यूज टू ड्रॉ द पेंटिंग. मतलब सिंगर किस तरह के सिंगर, कोई भी सिंगर है, वो कोई गाना गा रहा है या राग गा रहा है. ठीक है. उस सीन को जब एक आर्टिस्ट रिप्रेजेंट करता है तो वो क्या बन के आती है, रागमाला पेंटिंग, रागमाला पेंटिंग. एंड दीज पेंटिंग वर अमलगेमेशन ऑफ आर्ट, पोएट्री, क्लासिकल म्यूजिक एंड मिडिवल इंडिया. समझ गया ना. सो क्लासिकल म्यूजिक में वो पोएट्री होगी, जो सबका आर्ट, पोएट्री, क्लासिकल में सबका कॉम्बिनेशन इन इन रागमाला पेंटिंग्स में डिपिक्ट या पिक्चराइज किया जाता है. एंड दीज पेंटिंग रिवॉल्व अराउंड, मतलब ये पेंटिंग आपको कहाँ कहाँ मिलेंगी, पहाड़ी पहाड़ी रागमाला, जो पहाड़ी एरिया में रागमाला पेंटिंग्स होती थी, जो पहाड़ी सीन्स को, जो पहाड़ी पेंटिंग्स में रागमाला का डिपिक्शन होता था वो. फिर राजस्थान में भी रागमाला पेंटिंग्स बनी, डेक्कन में भी बनी और मुगल रागमाला पेंटिंग्स बनी. एंड दे आर बेसिकली 6 रागास, दीप राग, श्री राग, भैरव राग, हिंडोला, मलकेश एंड मेघ राग. तो इन रागस के अराउंड इसकी थीम रिवॉल्व करती थी इन पेंटिंग्स की. एंड ईच रागा इज पर्सोनिफाइड बाय कलर डिस्क्राइबिंग द स्टोरी ऑफ हीरो एंड एन हीरोइन. तो हीरोइन, हीरो और हीरोइन को हम क्या बोलते थे, नायक एंड नायिका. क्या बोलते थे, नायक एंड नायिका. तो
रागमाला पेंटिंग्स के बारे में ये है। अगर हम मिनिएचर पेंटिंग की बात करते हैं, अगर हम मिनिएचर पेंटिंग की बात करते हैं तो मिनिएचर पेंटिंग नॉर्थ में डेवलप तो हुई हुई, साउथ में भी डेवलप हुई। तो जो साउथ में फेमस मिनिएचर पेंटिंग थी उसमें आपको एक तो मैसूर पेंटिंग्स मिलेंगी, एक आपको थंजौर पेंटिंग मिलेंगी। तो थंजौर इज बेसिकली लोकेटेड इन स्टेट ऑफ तमिलनाडु वाला रीजन। तो अगर आप थंजौर पेंटिंग्स की बात करते हैं, थंजौर पेंटिंग में ना किसने इनको पेट्रोनाइज करा ये याद रखना है। दिस पेंटिंग वर पेट्रोनाइज बाय मराठा रूलर सरफोजी मराठा। किसने? सरफोजी महाराज। किसके टाइम पे पेट्रोनाइज हुई? सरफोजी महाराज। ठीक है। सो इन पेंटिंग्स में आपको फ्यूजन मिलेगा जो विजयनगर एम्पायर था उसके कल्चर का और जो मराठा कल्चर था, क्योंकि ये जो था सरफोजी महाराज जो रूलर थे ये मराठा थे। तो इन्होंने भी, इनके कल्चर ने भी इन पेंटिंग्स और थंजौर पेंटिंग्स को इन्फ्लुएंस करा, और जो लोकल कल्चर था विजयनगर एम्पायर का उस कल्चर ने भी इन पेंटिंग्स को इन्फ्लुएंस करा। एंड दीज पेंटिंग्स वर मोस्टली डन ऑन ग्लास ग्लास वुडन प्लैंक इंस्टेड ऑफ क्लोथ एंड पाम लीव्स और वेलम। ठीक है। तो यहाँ पे जो पेंटिंग्स हो रही थी बेसिकली ग्लास पेंटिंग्स होती थी या फिर वो वुडन प्लैंक पे बनती थी। और यहाँ पे क्या है, आपको जो गोल्ड गोल्ड का जो यूज है ना, गोल्ड प्लेटिंग जो होती थी वो बहुत ज्यादा यूज होती थी। तो एज यू कैन सी इन दीस इमेजेस, यहाँ पे गोल्ड का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, गोल्ड कलर का यूज। तो और ये ग्लास पेंटिंग्स है, ठीक है, ये देखिए गोल्ड का कितना यूज है, एक्सेसिव यूज है यहाँ पे गोल्ड का। एंड यूज ऑफ ब्राइट एंड लिबरल यूज ऑफ गोल्ड कोटिंग, यहाँ पे आपको गोल्ड। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि गोल्ड कोटिंग इज फीचर ऑफ विच ऑफ द पेंटिंग्स, तो इट इज अ फीचर ऑफ थंजौर पेंटिंग्स। एंड और इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग थंजौर पेंटिंग्स। तो किसने इसको पैटर्नाइज करा, कौन से कल्चर ने इनको इन्फ्लुएंस करा, क्या क्या फीचर्स हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ब्राइट कलर है, लिबरल यूज ऑफ गोल्ड कोटिंग है, ग्लास पे होती है, ठीक है, वुडन प्लैंक्स पे होती है, कपड़े पे नहीं होती, ये भी मिनिएचर पेंटिंग है। अब आगे मूव करते हैं, एक और है मैसूर पेंटिंग्स। तो मैसूर पेंटिंग की अगर बात करते हैं, मैसूर इज लोकेटेड इन स्टेट ऑफ कर्नाटका वाला रीजन। तो वहां पे भी मिनिएचर पेंटिंग एक ट्रेडिशन डेवलप हुआ। तो इट वाज इनिशियली पेट्रोनाइज्ड बाय रूलर्स ऑफ मैसूर प्रोविंस एंड कंटिन्यूड इन द ब्रिटिश पीरियड टू। मतलब ये मैसूर में जो मैसूर के जो लोकल रूलर्स थे उन्होंने उनको पेट्रोनाइज करा, ठीक है। कब करा? वही 17th से 19th सेंचुरी के बीच में जो एक कल्चर चल रहा था उस टाइम पे जो रूलर्स थे उन्होंने इसको इन्फ्लुएंस करा, और ये ब्रिटिश टाइम पे भी कंटिन्यूड रही। और जो इसमें थीम्स मिलेंगी वो हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस से रिलेटेड मिलेंगी। कैसी मिलेंगी? हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस से रिलेटेड। एंड यूनिक फीचर दैट टू दे हैव टू और मोर फिगर्स इन ईच पेंटिंग एंड वन फिगर प्री डोमिनेट ऑल अदर इन साइज एंड कलर। जैसे कि आपको एक ग्रुप से मिलते हैं, तो टू और मोर दो लोग हैं, ठीक है, या तीन मानिए, जो ये तीसरा है ना ये साइज में कलर इसका जो ये, एक मिनट, ये हुआ एक, ये हुआ एक, ये मान। तो ये वाला जाना, आपको इसमें कलर्स का जो ट्रीटमेंट होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है, साइज भी डिफरेंट होगा। तो इस तरह का ये डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं आता था इन पेंटिंग में, फिगर्स का जो ट्रीटमेंट होता ना उसमें, तो आपको वो डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो इन पेंटिंग की खासियत ये थी। एक पेंटिंग कौन सी पेंटिंग सी खाती है, मैसूर पेंटिंग। मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटका वाले में। एंड दे आल्सो यूज गैसो पेंट। क्या? गैसो, गैसो पेस्ट। गैसो पेस्ट इज अ मिक्सचर ऑफ वाइट लेड पाउडर ग्लू एंड गैम्बोज। गैम्बोज क्या है? एक ऑरेंज से येलो कलर 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 होता है। गैम्बोज क्या है? गैम्बोज इज बेसिकली अ मिक्सचर एक रेड से येलो कलर, एक ये येलो से येलो टू ऑरेंज टाइप का पिगमेंट होता है, ऑरेंज कलर टाइप का शेड होता है, ठीक है। तो उससे क्या है, ए ब्राइटनेस आती है, शाइनी लुक आता है। अगर आप ग्लू को मिला लेंगे ना, सो लेड पेंट, लेड पाउडर होगा, ग्लू होगा, और ये ऑरेंज ऑरेंजिश और येलोइश सा शेड आ जाता है पेंटिंग, ठीक है। सो अगर हम मॉडर्न पेंटिंग की बात करते हैं, आज हमने क्या कर लिया, एंशियंट इंडिया की पेंटिंग से सबके बारे में डिस्कशन कर लिया, मिडिवल टाइम की जो पीरियड पेंटिंग्स है उसके बारे में सारा डिस्कशन कर लिया। अब हम मूव करते हैं, और मिडिवल इंडिया में, मिडिवल इंडिया में जो टाइम था,
दो टाइम्स में हमने उसको डिवाइड करा, दिल्ली सल्तनत और मुगल। मुगल की सारी पेंटिंग, दिल्ली सल्तनत की सारी पेंटिंग का डिस्कशन हो गया है। उसके बाद हमने क्या डिस्कस करा था, हमने करा कि मुगल रूल के फॉल होने के, आफ्टर द फॉल ऑफ मुगल रूल, दो रीजनल स्कूल्स डेवलप हुए, राजस्थानी और पहाड़ी। उसमें भी सब स्टाइल्स थे, हर स्टाइल का डिस्कशन कर लिया है। अब हम मूव करते हैं आज मॉडर्न पेंटिंग्स पे। मॉडर्न पेंटिंग्स बेसिकली कौन से पीरियड को बोला जाता है? मॉडर्न पेंटिंग्स वो हैं जो ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, जब उन्हें ट्रेडिंग राइट मिला, ठीक है। उसके बाद जो पेंटिंग्स का डेवलपमेंट हुआ, उन पेंटिंग्स को हम मॉडर्न पेंटिंग्स के अंदर काउंट करते हैं। सो मॉडर्न पेंटिंग में सबसे पहले है कंपनी पेंटिंग्स मिलेंगे आपको, कंपनी पेंटिंग्स मिलेंगे, और फिर बाजार पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगे। जो कंपनी पेंटिंग्स हैं वो बेसिकली कंपनी पेंटिंग्स क्यों बोला, कंपनी, इसको कंपनी भी बोला जा सकता है इस तरह से, और कंपनी भी बोला जा सकता है, ठीक है। और मॉडर्न पेंटिंग्स के बाद हम बात करेंगे फोक पेंटिंग्स। फोक पेंटिंग्स कौन सी होंगी, जो लोकल कल्चर को रिप्रेजेंट कर रही है, जो लोकल पॉपुलेशन है उनका एक अपना स्टाइल है पेंटिंग्स को करने का। तो फोक पेंटिंग्स, बहुत सारे स्टाइल्स मिले हैं, हर स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल मिले हैं। ये लोकल कल्चर को, जो उनके फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का तरीका है उसको पेंट करते हैं, या फिर जो रिलीजियस फेस्टिवल है उनको, या फिर उनका हार्वेस्टिंग जो सीन्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, या फैमिली सीन्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं फोक पेंटिंग्स में, ठीक है। और इनमें जो रिफाइनमेंट होता है ना, इनमें रिफाइनमेंट, जो फोक पेंटिंग्स होते हैं इनमें रिफाइनमेंट लेवल कम होता है, ठीक है। और इनके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती, ठीक है, इनके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। हेरिडेटरी नेचर होता है, मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास ऑन होते रहते हैं, ट्रेनिंग की जरूरत, फॉर्मल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, ठीक है। सो फोक पेंटिंग से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं। अब मॉडर्न पेंटिंग्स में हमने दो तरह का पढ़ा, मॉडर्न पेंटिंग्स में आपको क्या क्या मिलेगा, कंपनी पेंटिंग के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, फिर बाजार पेंटिंग्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद आता है इंडिविजुअल एफर्ट्स भी हुए, जैसे कि राजा रवि वर्मा पेंटिंग्स भी देखी हैं आपने। सो वो सब किस में आएगा, मॉडर्न पेंटिंग में। एंड वी विल आल्सो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस इन टुमारोज क्लास। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो व्हाट आई वांट टू से एट द एंड इज, प्लीज बी रेगुलर इन योर प्रिपरेशन, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली सेशंस को अटेंड करिए, कॉन्टिन्यूसली सेशंस को आप अटेंड करिए, कॉन्टिन्यूसली सेशंस को अटेंड करिए, ठीक है। अपनी प्रिपरेशन में ब्रेक मत लाइए, ठीक। और अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो आप अपनी प्रिपरेशन का जो लेवल है उसको एक अलग लेवल पे लेके जाइए, इफ बाय सब्सक्राइबिंग ईदर टू प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन प्लान। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू परचेज एनी ऑफ द सब्सक्रिप्शन प्लान, जस्ट यूज माई प्रोमो कोड दैट इज PYM10, ठीक है। सो यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर परचेज। एंड प्लीज लाइक द सेशन, शेयर इट विद योर फ्रेंड हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएससी एग्जामिनेशन, एंड सब्सक्राइब टू बिगनर्स टू मास्टर, बिगनर्स टू मास्टर यूपीएससी सीएससी, ठीक है। एंड व्हाट आई आल्सो वांटेड टू से, एक मोटिवेशन लाइन है, जैसे कि हम सीड को जमीन में दबाते हैं और रोज उसको थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं, ऐसे ही यूपीएससी की प्रिपरेशन है कि आप रोज थोड़ा थोड़ा करिए, तब जाके एक वो पेड़ के रूप में कन्वर्ट होता है। जैसे कि एक सीड की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पे क्या है, अब धीरे धीरे ये बढ़ता है ना, तो ऐसे ही जो फिर धीरे धीरे बढ़ के एक पेड़ में कन्वर्ट होता है, ठीक है। ऐसे ही ये प्रिपरेशन यूपीएससी की, आप इसे धीरे धीरे इसमें थोड़ा थोड़ा क्वालिटी कंटेंट प्रिपेयर करते रहिए, और जब जाके एक अच्छा प्रिपरेशन लेवल आपका, जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है वो पहुंचेगा। सो आपको उसके लिए रेगुलर रहना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि 4 दिन पढ़ा 10 दिन छोड़ दिया, 10 दिन पढ़ा 2 दिन पढ़ लिया, 10 दिन नहीं पढ़ा हफ्ते भर पढ़ लिया, इस तरह से नहीं है। कंटिन्यूस रहिए, चाहे आप 3 घंटे दें अपनी प्रिपरेशन, लेकिन क्वालिटी टाइम दीजिए अपनी प्रिपरेशन को। दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड बी रेगुलर इन योर सेशंस, ओके। विल मीट टुमारो विद फोक पेंटिंग्स एंड मॉडर्न पेंटिंग्स।